ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। दो चोरी, चोर दोनों बार हिंदी में लिखी गया। हाथ देना प्लीज, घबरा मत, शादी के लिए नहीं मांगा। Make him Robert. ऐसा होगा विलन का नेचर, क्या एक गैंग लीडर है फिल्म का विलन, क्या छुपा है कहानी के प्लॉट में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म धूम 4 के बारे में। धूम 4 की कहानी में इस बार दो विलन शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस बार रणवीर सिंह और अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया है। इससे पहले ये खबर आई थी कि इस फिल्म में SRK और सलमान शामिल होने वाले थे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की भी सलमान और SRK के साथ गहरी दोस्ती है, पर फिर भी इन एक्टर्स का YRF की इस फिल्म में शामिल ना होना फैंस के लिए निराशा की बात साबित हुई है। खैर, धूम 4 की कहानी में हर बार की तरह इस बार भी विलन पे फोकस किया जाएगा। विलन की नेचर की बात करें तो वो नॉन विलनस टाइप का होगा, यानी कि ऐसा विलन जो सच में विलन तो नहीं होता, हालांकि वो बुरे काम जरूर करता है। और कुछ उसी तरह के विलन्स को धूम की फ्रेंचाइज में अब तक शामिल भी किया गया है। अगर आपको याद होगा तो धूम 3 के विलन साहिर और समर का किरदार निभा रहे आमिर को पूरे तरीके से विलन के रूप में दर्शकों के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया था। उस किरदार के अंदर भी इमोशंस और ग्रजेस मौजूद थे, जिसकी वजह से उसने बैंक को लूटा था। और कुछ ऐसा ही धूम 4 के विलन का भी नेचर होने वाला है, जिससे दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए एक खतरनाक मुजरिम के तौर पे जरूर दिखाया जाएगा। हालांकि उनका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, जिससे दर्शक फिल्म की कहानी में वक्त वक्त पे अवगत होते रहेंगे। वही हो सकता है कि इस बार विलन एक खतरनाक गैंग का लीडर हो, जिसके पीछे कई बड़ी जगहों की पुलिस पड़ी है। हो सकता है इस बार विलन को एक बिजनेसमैन के रूप में दिखाया जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के मामले में भी पहले फंस चुका हो, और विदेश भाग और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को पकड़कर खुद को एक गैंग लीडर में बदल लिया हो। वही फिल्म के विलन की एक इमोशनल बैक स्टोरी दिखाने से मेकर्स पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये स्टोरी विलन को दर्शकों के सामने किस तरह से पेश करती है, ये तो फिल्म की स्क्रिप्ट ही बताएगी। इस कहानी के प्लॉट में ऐसा भी हो सकता है कि एक साधारण बिजनेसमैन ने पैसों की लालच में आकर खुद को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा लिया हो, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा है। पर उसी जेल में वो कई बड़े क्रिमिनल्स के कॉन्टैक्ट्स में आता है, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। वही जैसे ही वो इस केस से 10 साल बाद छूटता है, वो लैटिन अमेरिका जाकर क्रिमिनल से अपने कॉन्टैक्ट्स को और बढ़ा लेता है, और कुछ ही सालों के अंदर एक साधारण बिजनेसमैन इलीगल स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के धंधे को बढ़ाने में लग जाता है। ये बिजनेसमैन ही इस कहानी का असली विलन है, जो 10 सालों तक जेल में रहने के दौरान कई क्रिमिनल एक्ट्स में खुद को अंदर ही अंदर शामिल कर चुका है, जिसके बारे में अभी तक पुलिस को भी खबर नहीं है। वो जैसे ही जेल से छूटता है, उसने खुद को एक अंडरवर्ल्ड डॉन में बदल लिया है, जो अब देश के लिए काफी बड़े खतरे को इनवाइट करने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। कैसे शुरू होगी इस फिल्म की कहानी, क्या होगा विलन के साथ, कौन पकड़ेगा विलन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलन बचेगा या फंसेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। धूम 4 की कहानी इस बार शहर में बढ़ते क्राइम केसेस से शुरू होगी। विलन इस बार काफी ज्यादा खतरनाक रूप लेकर इस फ्रेंचाइज में वापसी कर रहा है।
इस बार का विलेन आम इंसान कम और अलग तरह का ईविल पावर ज्यादा होगा। अब फिल्म की बात करें तो कहानी की शुरुआत मुंबई शहर में बढ़ते क्राइम से होगी, जहां जगह जगह लूट हो रही है और हाल ही में शहर के एक मेन मॉल में ब्लास्ट भी हुआ है, जिसे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। पुलिस भी वहीं शहर में बढ़ते क्राइम्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही है। अब वहीं इस बार के विलन में मेन मकसद देश की गवर्नमेंट की जिंदगी में आफत लाना है, जो हो भी रहा है। शहर में बढ़ते केसेस को लेकर लोग सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पर वहीं सरकार इस नए क्रिमिनल को पकड़ने में असमर्थ है। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि फिल्म का विलन जब एक बड़ा क्रिमिनल बन चुका है, उसका जन्म एक जेल में ही हुआ था, जहां के लोग काफी क्रूर थे और इन्हीं लोगों के साथ बड़े होने की वजह से विलन भी काफी ज्यादा क्रूर बन चुका है। उसे अच्छाई क्या होता है ये बात पता ही नहीं है। फिल्म के विलन की बैक स्टोरी के थ्रू दर्शकों को ये पता चलेगा कि कैसे इस विलन ने बड़े होने से पहले तक अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देखा है। वही जेल से भाग आने के बाद से ही उसकी जिंदगी में एक अलग मोड़ लिया है। इस विलन के क्रिमिनल बैकग्राउंड की हम बात करें तो वो मेनली दो तरह के क्राइम्स पे फोकस है, पहला टेररिज्म और दूसरा लूट। दिन प्रतिदिन शहर में हर तरह के क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब विलन की बात करें तो उसके चेहरे पे एक मास्क लगा हुआ होता है, जिसे वो एक ऐसे ड्रग को अपने अंदर इनहेल करता है जो उसे अलग तरह की पार देता है। विलन ऐसा करके खुद को एक वेपन में बदलता जा रहा है, जिसे हराना एक आम इंसान के बस की बात नहीं रही। उसके अंदर अब आम इंसानों के मुकाबले दोगुनी पार मौजूद है, जो कि उसे आम इंसान होने से थोड़ा अलग बनाती है। हालांकि इस ड्रग को ज्यादा इनहेल करने की वजह से अब इस ड्रग का साइड इफेक्ट विलन की बॉडी पर नजर आ रहा है। असल में ड्रग विलन के हर एक सेल में जा चुका है, जिस वजह से विलन की बॉडी का साइज किसी मॉन्स्टर की तरह बढ़ता जा रहा है। उसका फेशियल स्ट्रक्चर भी काफी अलग होता जा रहा है। वो साइज में काफी बड़ा और मस्कुलर तो लग ही रहा है, इसी के साथ ही उसका चेहरा भी एक आम इंसान जैसा नजर नहीं आ रहा। विलन को ऐसे रूप में देख पुलिस और भी ज्यादा डर चुकी है। पुलिस अब ये बात अच्छे से जान चुकी है कि अगर उन्होंने विलन के पास जाने की कोशिश करी तो वो उसके हाथों मारे जाएंगे। वहीं इस विलन को पकड़ने अब पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है, जिस वजह से शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है, जिसने अब तक ज्यादातर बड़े केसेस को सॉल्व कर बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को पकड़वाया है। वो इंस्पेक्टर और उसकी टीम अब मिलकर विलन को पकड़ने का काम करने वाली है। इंस्पेक्टर के किरदार में बिल्कुल एसीपी दीक्षित से इंस्पायर होगा, हालांकि ये किरदार थोड़ा एडवांस होगा क्योंकि इस बार विलन भी आम नहीं है। खैर, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या जय पता कर पाएगा चोरी के बारे में, क्यों जय नहीं रोक पाया ये चोरी? हेलो, मैं हूं पूर्णा मैन, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन से, जिन्होंने अपने जबरदस्त पुलिस करियर की वजह से कई बड़ी बड़ी चोरियां पकड़ी हैं और अब इनको एक अलग ही दर्जा मिला है पुलिस वालों की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अली यानी उदय चोपड़ा की लाइफ भी पूरी तरीके से सेट है, जहां वो अभी भी जय के अंदर ही काम करता है। जय की पोस्टिंग अब गोवा में कर दी गई है, जहां इस बार उसकी ड्यूटी लगी है गोवा की पूरी जिम्मेदारी निभाने में। नया शहर और नए माहौल के साथ जय घुल मिल गया है, लेकिन इस बार वो अकेले ही आया है, यानी जो अली है ना, इस बार हमें उसके साथ नहीं दिखा। वहीं जय को बाय बोलकर अली अपना गम छुपा नहीं पा रहा था और वो जय को सरप्राइज देने के लिए उसी के साथ गोवा में थोड़ी छुट्टियां बिताने के लिए आ जाता है, जहां जय बस अपनी ड्यूटी संभाल ही रहा होता है। वहां उसे पता चलता है कि आजकल गोवा में करप्शन के बहुत केसेस आ रहे हैं और इन केसेस में पुलिस वाले और ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपराधी पाए जाते हैं। आए दिन न्यूज में ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में पुलिस की रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है। वहीं अपनी ड्यूटी के पहले दिन जय देखता है कि लोगों का रवैया उसकी तरफ थोड़ा सा अलग होता है, जहां जय केसेस को नोट करता रहता है और उन्हें किस तरह की दिक्कत आ रही है और गोवा की किस जगह पर ज्यादा करप्शन है वो भी पता कर रहे थे। वहीं न्यूज में एक टॉपिक सुबह से छाया हुआ रहता है,
RBI द्वारा बनाए गए नए नोट जिन्हें मार्केट में रिलीज किया जाएगा। उन नोट्स का कनेक्शन इस बार गोवा से है जिसमें करीबन 100 करोड़ रुपयों के नोट्स होंगे जो Z+ सिक्योरिटी में गोवा से निकलेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे। गोवा में इसका रूट होना बहुत बड़ी बात थी और इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी ACP जय दीक्षित के ऊपर, जहां ACP को कॉल आता है और उसे तुरंत ऑफिस में बुलाया जाता है। ऑफिस में जाते ही उसे साफ साफ वार्निंग दी जाती है कि अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो उसकी नौकरी पर खतरा मंडराएगा, साथ ही साथ उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और जय कहता है कि वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए और इसलिए वो अली का नाम सजेस्ट करता है। ऑफिशियल्स उसकी बात मानकर अली को इस टास्क के लिए अपॉइंट भी करते हैं। अब जय के ऊपर ना पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस नोट्स के कंसाइनमेंट को सही सलामत पहुंचाने की, जहां जय सबसे पहला काम करता है रोड्स के रूट को खाली करवाने के लिए, क्योंकि जिस दिन वो कंसाइनमेंट निकलेगा वो दिन संडे है और संडे है तो सड़क पर ज्यादा भीड़ होने की संभावना थी, जिसके लिए जय ने उस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का सोचा और चारों तरफ न्यूज फैला दी कि उस एरिया को 2 घंटे के लिए बंद किया जाएगा और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही होंगे उस रोड पर और बस वही वहां से जा सकते हैं। अब इस टाइट सिक्योरिटी के साथ कोई चीज भला कैसे चोरी हो सकती है। नोट्स के कंसाइनमेंट के साथ Z+ सिक्योरिटी थी, यानी उसके आगे भी 2 गाड़ियां जिनमें पुलिस CRPF और पीछे भी 2 गाड़ियां जिसमें CRPF प्लस बुलेट प्रूफ वैन थी। आखिरकार टाइम आ ही जाता है जब कंसाइनमेंट गोवा के उस रूट से निकलने वाला होता है और इस टास्क को लीड कर रहे होते हैं ACP जय दीक्षित, और उसका साथ देते हुए अली CRPF की वैन के साथ जा रहा होता है। सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है, जहां वो एक प्रॉपर एरिया बन चुका होता है और कंसाइनमेंट के नोट्स को लोड किया जाता है। वैन्स निकलने के लिए तैयारी थी, लेकिन अचानक से एक धमाका हो जाता है और वहां पर सभी लोग शोर मचा देते हैं। अचानक से शोर मचने के बाद जय को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, तो वो बिना कोई वक्त गवाए सीधे बुलेट प्रूफ वैन के पास जाता है, जहां वो देखता है कि वैन तो एकदम सही सलामत है। वहीं जैसे वो ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि वैन के डोर्स खोले जाएं, तो ऑफिसर्स इस बात पर मना कर देते हैं क्योंकि ये एक ऑफिशियली एक बहुत बड़ा मैटर होता है और बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज के इस वैन के डोर नहीं खुल सकते। लेकिन जय के इंसिस्ट करने के बाद उसे खोला जाता है, जहां पर कंसाइनमेंट का जो बॉक्स होता है ना वो तो क्लियरली दिख रहा होता है, लेकिन बॉक्स के अंदर का सामान यानी कि नोट्स सब गायब होते हैं और ये चोरी सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर हुई है। जहां ये खबर आग की तरह फैली है कि नोट्स के बड़े कंसाइनमेंट चोरी हो चुके हैं और जय की नौकरी पर खतरा आ गया है, वहीं दूसरी तरफ अली जख्मी हो चुका है, इस ब्लास्ट की वजह से उसे थोड़ी चोटें आ गई हैं। जय तुरंत ही अली को हॉस्पिटल भेजता है और अपनी टीम को बोलता है कि CCTV कैमरास के सारे फुटेज उसे लाकर दिए जाए। हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंच जाती है और वो बिना कोई भी वक्त गवाए जय को बुला लेते हैं, जहां उसे वार्निंग दी जाती है कि या तो वो 2 दिन में चोर को पकड़े या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे और लीगल एक्शन का सामना करे। पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इस चोरी की खबरें चारों तरफ फैल रही थी। वहीं जय अभी उस स्पॉट पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, जहां उसे अपने पैर के नीचे एक छोटा सा पेपर मिलता है। पेपर में एक वार्निंग लिखी होती है, चोर अगर चोरी करे तो वो पुलिस से पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पुलिस ही चोरी करे तो पुलिस कैसे पकड़ेगी। अब चोर और पुलिस की टक्कर नहीं होगी बल्कि पुलिस और पुलिस की टक्कर होगी। वेलकम टू द गेम जय दीक्षित। इस पेपर को पढ़ते ही जय के मन में ये कंफर्म हो जाता है कि ये चोरी कोई नॉर्मल चोरी नहीं थी, ये पूरी प्लान्ड चोरी थी और ये चोरी जिसने की है वो कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि पुलिस का ही एक मेंबर है, क्योंकि चोर तक वो कॉन्फिडेंशियल बातें आसानी से पहुंच ही नहीं सकती। पूरा दिन बीत चुका था और जय के पास सिर्फ उस वार्निंग चिट्ठे के अलावा और कोई भी सबूत नहीं था। आखिर चोरी किसने की है। जहां वो थक कर अपने घर पहुंचता है वहीं उसे काफी वॉइस मेल्स आए होते हैं जो उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के होते हैं, जिन्हें वो इग्नोर करता है और बेहतर रहता है चुपचाप से। वहीं उसकी घर की मेड उसे खाना लाकर देती है और टीवी को ऑन करती है। टीवी पे न्यूज चैनल ऑन होता है और गोवा में हुई चोरी की बातें हो रही होती है। उसमें जहाँ ACP दीक्षित के ऊपर और पुलिस सिस्टम के ऊपर कई सवाल उठते हैं,
अब इन सारे सवालों के जवाब जय कैसे देगा? क्या वो अपनी नौकरी को बचा पाएगा? क्या वो चोर को ढूंढ पाएगा जो पुलिस के भेस में चोरी कर गया? वहीं दूसरी तरफ इसी न्यूज को देखकर कोई मुस्कुरा रहा होता है और जय की फोटो पर मार्कर से क्रॉस का निशान बनाता है। इस इंसान का चेहरा अभी तो क्लियर नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियो। किसने इन्वेंट की है ये सुपर ह्यूमन चिप? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फिल्म की शूटिंग नॉर्थ अमेरिका में हो सकती है, वहीं दूसरी ओर फिल्म मेकर्स की माने तो फिल्म की शूटिंग के साउथ अमेरिका में होने के ज्यादा आसार हैं। आपको बता दें कि अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि डायरेक्टर विजय कृष्णा अरोड़ा इस फिल्म का निर्देशन करेंगे या नहीं। खबर ये है कि विजय पहले ऋतिक के साथ ठग फिल्म पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन फिल्म की कहानी कुछ अनोखी होने वाली है। आज तक धूम सीरीज की सारी मूवीज चोर और पुलिस की भाग दौड़ी दिखाई गई है। कभी किसी चोर ने हीरो चुराए तो किसी ने कीमती हार, लेकिन इस बार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और इस बार चोर ना तो पैसे चुराने वाला है और ना ही ज्वेलरीज। इस बार चोर चुराएगा नए जमाने का हथियार जो कि है टेक्नोलॉजी। आज की लाइफ से जुड़े इस कॉन्सेप्ट को व्यूज को अटैक करने के लिए लिखा गया है। टेक्नोलॉजी आज सबके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। बिना टेक्नोलॉजी के आजकल कुछ भी नहीं होता, बस इसी का फायदा उठाने की सोच रहा है चोर। इस बार सबसे चौंका देने वाले बात ये है कि फिल्म में अभिषेक के रोल में हमें उदय और अभिषेक ही दिखेंगे। मेन मुद्दा ये है कि विलन का तो आपको बता दें कि इस बार चोर होंगी एक लड़की। धूम वन हो या टू या फिर धूम थ्री, तीनों में चोर बने थे जाने माने मेल एक्टर्स, लेकिन इस बार कमान है हमारी प्यारी दीपिका के हाथ, जो पहली फीमेल विलन बनेंगी इस फ्रेंचाइजी की। अब आप कहेंगे कि ऐश भी तो विलन थी, तो आपको बता दें कि उनका रोल कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव था, जिसकी वजह से ना तो हीरोइन कही जा सकती ना विलन। लेकिन दीपिका इस बार फुल ऑन एक्शन करती नजर आएंगी, चोरी करना हो या पुलिस से लड़ना। कहानी की शुरुआत में उनको एक मेल की तरह ही दिखाया जाएगा, लेकिन मिड सीन में फीमेल चोर लाने का प्लान सबके सामने खोल दिया जाएगा। फिल्म में दिवाकर का रोल प्ले करेंगे प्रेश रावल और अशोक का रोल प्ले करेंगे किरण। फिल्म में डिटेक्टिव सनी का रोल निभाएंगे अक्षय कुमार। चिंता करने की बात नहीं है, फिल्म में एक मेल चोर भी है जिसका नाम है प्रिंस, और इस बार चोर का रोल निभाने वाले हैं प्रभास द बाहुबली। इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में हमें अब तक पता चला है कि दिवाकर नाम के एक साइंटिस्ट के बनाए हुए ह्यूमन चिप को एक चोर ने चुरा लिया है। दिवाकर एक डिटेक्टिव सनी को अप्रोच करता है, लेकिन पुलिस भी उस चोर का पीछा करती है। अली और जय दोनों ही दिवाकर के पास जाते हैं, लेकिन वो मदद लेने से मना कर देता है और उनसे झूठ बोलता है कि मेरे यहाँ से कुछ चोरी नहीं हुआ। लेकिन अली और जय सब जानते हैं और वो उस चोर को पकड़ने में लग जाते हैं, जहाँ उन्हें लैब में तलाशी करते हुए मिलती है नूरी, जिसका वो चोर समझती है। असल में नूरी आई तो उस चिप को चुराने ही थी, लेकिन वो चिप तो चोरी ही हो चुकी है। अब सवाल ये है कि नूरी नहीं तो आखिर कौन है असली चोर? तब नूरी बताती है कि ये चोरी है प्रिंस ने, जो कि नूरी के बचपन का दोस्त है। नूरी अली और जय को कहानी सुनाने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। नूरी बताती है कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 11 साल पहले एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था जिसमें प्रिंस फर्स्ट आया था और नूरी आई थी सेकंड। इसीलिए उन दोनों को चाइना के एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में जाने का मौका मिल गया। अब नूरी और प्रिंस दोनों ही गए चाइना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। प्रिंस, जो कि हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजीज में अच्छा था, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वो पहले से ही अच्छा परफॉर्म करने लगा। उसने आज से 10 साल पहले उन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दिया था जिनका इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट ने अब किया है। उसका दिमाग एक कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। दुनिया में जब ये बात फैली तो साइंटिस्ट को थोड़ा शक हुआ, इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट उससे मिलके ये पक्का करना चाहते थे कि सच में प्रिंस इतना इंटेलिजेंट है या कोई और बात है इन सब के पीछे। हांगकांग के एक लैब में इन साइंटिस्ट ने प्रिंस को पूरे 44 दिन अपने साथ रखा और फिर बाहर आके सबको ये बताया कि प्रिंस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बनाए हुए गैजेट्स लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसको एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के स्कूल में एडमिट करा दिया गया। उस साइंटिस्ट में अशोक और दिवाकर भी थे। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि 44 दिनों में उन सब साइंटिस्ट ने प्रिंस की मदद से
कुछ बहुत ही बड़े इन्वेंशन किए थे, लेकिन वो इनका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रिंस को पागल बताना सही समझा। पिछले 8-9 सालों में प्रिंस से मिलने कई बार उस स्कूल भी गए जहां वो था, लेकिन हर बार उसने नूरी से मिलने से मना कर दिया। उसने उस स्कूल में रहकर एक ऐसा इंजन बनाया जिससे उनके एक सुपर बाइक का इंजन बना लिया, जिससे वो ऐसी बाइक को बनाने में कामयाब हो गया जिससे उसे कोई पकड़ नहीं सकता, और अब वो हर इंसान से अपनी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है जिन्होंने उन्हें उसके आइडिया से बनाया था, और उसको पागल बता के उसको मेंटली चैलेंज लोगों के स्कूल में डलवा दिया। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और नूरी बताती है कि वो यही कंफर्म करने आई है कि क्या प्रिंस ने वो चिप चुरा ली है या नहीं। अगर नहीं तो वो उसे चुराने जरूर आएगा और नूरी उससे मिल पाएगी। तब जय नूरी से पूछते हैं कि उसको प्रिंस से क्यों मिलना है, तो नूरी बताती है कि वो बचपन से ही प्रिंस से प्यार करती है और इतने वक्त से वो उससे अलग है। प्रिंस ने अकेले इतना कुछ फेस किया है और अब नूरी उसको अकेले सफर नहीं करने देना चाहती। किस तरह का क्रिमिनल होगा फिल्म का विलन? क्या इस बार शामिल होगा बाइक चेज? क्या होगा इस फिल्म की कहानी में? धूम के पिछले फिल्मों में हमने अलग अलग तरह के विलन को देखा था, और इस बार खिलाड़ी अक्षय कुमार जो फिल्म में एक खतरनाक विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं, वो इस बार ज्वेलरी हीस्ट को अंजाम देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार धूम की खासियत यही रही है कि उसकी आइकॉनिक बाइक चेस सीन्स को खास करके फिल्म में शामिल किया जाने वाला है। अक्षय का किरदार जो असल में एक विलन का किरदार है फ्रेंड्स, वो हांगकांग की किसी बड़ी ज्वेलरी शॉप को लूट सकता है। कहानी तब शुरू होगी जब एक ही कंपनी की दो ब्रांचेस में एक हफ्ते के अंदर चोरी होती है, एक मुंबई में और दूसरी हांगकांग में। हांगकांग की पुलिस इस चोरी के बाद पहले से ही सर्वेलेंस पे शहर के सारे कैमरास को ले लेती है। यही कारण है अब बात हांगकांग की पुलिस की इज्जत पे आ चुकी है। वहीं मुंबई में बैठे एसीपी दीक्षित को इस बात की खबर दी जाती है और वो इस केस की तह तक जाने के लिए मुंबई के ज्वेलरी शॉप को इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर हम बताएं आपको, सील कर देते हैं। सील करने के बाद एसीपी हांगकांग का भी चेक करता है, जहां उन्हें पता चलता है कि भले ही चोरी एक हफ्ते के अंदर सेम ही कंपनी की दुकान में हुई हो, फिर भी इस चोरी में एक अकेले आदमी का साथ नहीं है, क्योंकि इस हीस्ट को अंजाम देने के पीछे किसी दो बड़े मुजरिमों का हाथ है। जी हाँ फ्रेंड्स, जल्द ही हांगकांग की पुलिस और मुंबई पुलिस की एक टीम एक दूसरे से मिलती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। वहीं हांगकांग की पुलिस को सिक्योरिटी कैमरा में एक स्पोर्ट्स बाइक नजर आती है। वहीं मुंबई की पुलिस ऑफिशियल की टीम से दीक्षित को खबर मिलती है कि जिस दुकान में चोरी हुई थी उस दौरान डायमंड रिंग्स का एग्जिबिशन लगा हुआ था, जिसमें से सबसे ज्यादा कीमती डायमंड्स को देश से एक्सपोर्ट कर इटली पहुंचाना था, ताकि वहां के फैशन वीक में इस हीरे की रिंग को फेमस फैशन डिजाइनर अपनी कलेक्शन में शामिल कर सके। और आपको बता दे, वहीं ऐसा होने से कंपनी को काफी ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद भी की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दे फ्रेंड्स, पर चोरी होने की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैशन वीक अगले ही हफ्ते है और उससे पहले चोरों का पता लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हांगकांग में उस बाइक के नंबर की खोज जारी है जो हांगकांग की पुलिस के कैमराज में नजर आई थी। हालांकि अजीब बात तब सामने आती है फ्रेंड्स, जब बाइक का नंबर और मुंबई में चोरी वाले दिन का डेट सेम होता है। हांगकांग में मुंबई से पहले चोरी हुई थी, पर क्योंकि पुलिस ने चोरों द्वारा दिए गए हिंट को पहचानने में देरी कर दी थी फ्रेंड्स, इसी वजह से उनके हाथों से इतने बड़े मुजरिम निकल गए। वहीं इस फिल्म की कहानी में हमें सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। इस कहानी में चोरी होने की वजह भी सामने आएगी। इसके साथ ही आखिर वो कौन से दो चोर है और क्यों उन्होंने सेम ही कंपनी में चोरी की, इन सब सवालों का जवाब हम आपको जरूर बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोस। पर एक्सपर्ट से होगी जंग, क्या धूम में होगी दिमाग की रेस, कब होगी एसीपी जैक की एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस कहानी की शुरुआत होगी कंप्यूटर स्क्रीन से,
जहां पर एक आदमी जिसका चेहरा दिखाया नहीं जाता है वो कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग का काम कर रहा होता है। इस आदमी का नाम अजय यानी आयुष्मान खुराना है जो 8 सालों से कोडिंग कर रहा है और इसे कंप्यूटर का एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का कीड़ा जिसे हर चीज पता है ये चाहे तो अभी इंडिया में किसी भी इंसान के कंप्यूटर को हैक कर सकता है और उसके डेटा को चुरा सकता है, लेकिन इसका ये टैलेंट आज तक हिडन ही रह गया है क्योंकि सिर्फ अजय के सिवाय ये कोई नहीं जानता कि वो क्या है। लोगों के सामने अजय की पर्सनैलिटी कुछ और ही है और जहां वो एक एवरेज सा लड़का है जिसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आवारा गर्दी में कोई इंटरेस्ट है, वो दिन हो या रात सिर्फ अपने रूम में बैठना पसंद करता है जहां उसकी उम्र के लोग क्लबिंग पार्टी या फिर जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इस चार दीवारों में कैद करके रखता है। अजय के दोस्त जिन्होंने काफी कोशिश की अजय को उस चार दीवारों से बाहर निकालने की बट कोई कामयाब नहीं हो पाया। उसकी वजह थी कि वो एक इंट्रोवर्ट है जो कभी एक्सट्रोवर्ट बनना ही नहीं चाहता। ये सोचकर उसके दोस्तों ने भी अब कोशिश करना बंद कर दिया है। दिन हफ्ते महीने बीत जाते हैं, अब अजय को कोई देख नहीं पाता। अजय ने खुद को इतना उस रूम में बंद करके रखा है जिसके वजह से उसके मॉम डैड ने फैसला किया है कि वो अब उसे अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे और अपने माँ बाप के लाख कहने पर अजय मान जाता है साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए। अजय की अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाती है साइकेट्रिस्ट तनीषा यानी यमी गौतम से, जो कि शहर की एक जानी मानी साइकेट्रिस्ट होती है। अजय उसके केबिन के बाहर बैठा होता है जहां रिसेप्शनिस्ट अजय से कहती है कि अब वो अंदर जा सकते हैं और अपने लो कॉन्फिडेंस और रुकते कदमों के साथ अजय डोर को नॉक करता है और उसे सामने से रिस्पॉन्स मिलता है कम इन, और अजय अंदर जाता है। वहां वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो उसी की उम्र की है वो उसे और उसकी केस को एग्जामिनिंग करेगी। अजय के अंदर आते ही तनीषा उसे कहती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, जिस पर अजय उसे सिर्फ दो लाइन में अपना नाम बताता है, बस उसके बाद वो उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद तनीषा उससे और पूछने की कोशिश करती है जिस पर अजय बिल्कुल कोल्ड रिएक्शन देता है, जहां तनीषा पूरे 10 मिनट कोशिश करती है वो अजय से और बातें कर सके और उसके अंदर मन में क्या चल रहा है ये जान सके, बट अजय खुद को एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता। जिसके बाद तनीषा तंग आकर अजय से कहती है कि अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे आएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही अजय कहता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मॉम डैड के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ और आई गेस मैं अभी सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट से ही मिल रहा हूँ जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता। तो तनीषा कहती है तो फिर तुम किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, जहाँ अजय कहता है कि एक दोस्त से। तनीषा अजय का जवाब सुनते ही कहती है कि तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम उनसे क्यों नहीं बात करते और फिर कुछ नए दोस्त क्यों नहीं बनाते। ये सुनते ही अजय कहता है कि तो तुम मेरी दोस्त बन जाओ, इस तरह तुम्हें मेरी प्रॉब्लम जानने मिलेगी और मुझे तुम्हें जानने का मौका मिलेगा। तनीषा ये सुनते ही स्माइल देती है और कहती है ठीक है फिर मेरी शिफ्ट के बाद मिलते हैं। और बस तभी से अजय और तनीषा की दोस्ती की शुरुआत होती है, जहां तनीषा अजय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है और उसे और जानना चाहती है। इनकी मुलाकात वक्त के साथ बढ़ती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती कुछ अलग ही मोड़ लेने लगती है, जहां अजय चार दीवारों के अंदर थोड़ा कम रहता है और लोगों से घुलने मिलने भी लगता है। ये देखकर उसके दोस्त और उसके माँ बाप बहुत ही खुश थे। अजय की लाइफ में सब शॉर्टेज चल रहा था, जहां अब अजय ये सोचता है कि वो अपने हिडन टैलेंट को अपना पैशन बनाएगा और अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करेगा जिससे वो लोगों की मदद भी कर पाएगा और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अपनी सालों की मेहनत जिसके लिए उसने न जाने कितने दिन घंटे और साल दिए थे, यानी अजय ऐसे ऐप डेवलप कर रहा था जो कि देश के लिए एक बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, जहां अजय का ये ऐप काम करता उन लोगों के लिए जो कि अनएम्प्लॉयड है पर उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन्हें कंपनीज हायर करेंगी उनके टैलेंट के दम पर। और अजय का ये ऐप काम करने के लिए एक बेहतर और एक बहुत ही यूजफुल टूल होता अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, जहां कई सालों की मेहनत के बाद अजय का ये ऐप अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और वो किसी इन्वेस्टर को ढूंढना चाहता था ताकि वो इस ऐप पर इन्वेस्ट करे, जहां उसके स्टार्टअप आइडिया में इंटरेस्टेड होते हैं मिनिस्टर मिस्टर शेखावत यानी नसर।
वो एक बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कई ऐसे एप्स में इन्वेस्ट करते हैं और उससे मिलने वाला प्रॉफिट लेते हैं, जहां उन्होंने एक बैटल फाइटिंग गेम को कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया था और अब वो गेम देश में बहुत फेमस हो चुके हैं। वहीं उन्हें अजय का ये आइडिया और उसका ऐप बहुत पसंद आया और वो अजय से एक डील साइन करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, जहां मिस्टर शेखावत अजय से कहते हैं कि वो इस पूरे ऐप को और उसके कॉपीराइट को खरीदना चाहते हैं, जहां वो उसे मुंह बोली कीमत देंगे उस ऐप के बदले। लेकिन अजय इस बात से साफ इनकार कर देता है और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा और वो वहां से निकल जाता है, जहां कहानी में कुछ दिनों का लीक दिखाया जाता है और इस कहानी में एंट्री दिखाई जाती है ACP जय यानी अभिषेक बच्चन की, जो अपने काम को हमेशा की तरह पूरे दिल से कर रहे होते हैं। जय अपने पार्टनर और दोस्त अली यानी उदय चोपड़ा के साथ सही से चल रहा है। वहीं थोड़ी देर में उनके पास एक न्यूज आती है कि साइबर सिस्टम पे एक बड़ा हमला हुआ है, जहां गवर्नमेंट की साइट्स बहुत ही बुरी तरह से क्लैश होती जा रही हैं और सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो चुकी है और पूरा सिस्टम बुरी तरह से क्लैश हो गया है और ये अटैक देश के सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है। आखिर किसने किया होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक? क्या साइंटिस्ट के इरादे हैं नेक? किस चीज की तलाश में है चोर? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, चोर पुलिस का इंटरेस्टिंग गेम अगर आपको देखना है तो धूम सीरीज परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसकी अभी तक 3 फ्रेंचाइजी रिलीज हो चुकी है और अब है चौथे की बारी। वैसे काफी खबरें उड़ रही हैं तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते हैं जो शायद आपको इस फिल्म में देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अशोक यानी अनुपम खेर को टेक्नोलॉजी में बेहद दिलचस्पी है और इसीलिए वो अपने आइडियाज को लेकर रोबोट पर काम कर रहे होते हैं। उनके साथ उनका दूसरा दोस्त कुमार यानी कुमुद मिश्रा साइंटिस्ट की दुनिया में दिलचस्पी रखता है, आपको बता दे दोस्तों। पर इनका जो तीसरा दोस्त है ना, डैनी यानी जैकी श्रॉफ, वो गैर कानूनी काम करता है, इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। उसके दोस्त उसे समझाते हैं पर वो उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर मार देता है। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि जब डैनी को अशोक के रोबोट्स के बारे में पता चलता है, तब वो अशोक से कहता है कि अशोक देख, तू जो भी कर रहा है ना, उस चीज को हम बाहर भेज देते हैं, मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट है, हम माला माल हो जाएंगे। तो अशोक उसकी बात को रोकते हुए कहता है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तेरे कॉन्टेक्ट्स यानी कि गैर कानूनी काम, मुझे ऐसे काम करके देश को खतरे में नहीं डालना है। उनका बहुत बड़ा झगड़ा होता है, ये बात कुमार भी सुनता है। एक दिन डैनी अशोक की टेक्नोलॉजी उससे जुड़े डॉक्यूमेंट चोरी करने की कोशिश करता है, तब अशोक उसे पुलिस के हवाले करता है। तब डैनी धमकी देता है कि अशोक तूने ठीक नहीं किया, पर इसका बदला मैं जरूर लूंगा। डैनी का बेटा राघव रोने लगता है, डैनी को 10 साल की सजा होती है। फिर कुमार भी अपने काम के सिलसिले में अमेरिका चला जाता है। दोस्तों, आगे आपको इस स्टोरी में बताएं कि एक दिन अशोक एक छोटी सी लैब बनाता है और उसके बाद एक गार्ड को रखता है। उसी वक्त राघव वहां आकर अशोक पर हमला करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे रोकता है और उस हाथापाई में राघव उसके सिर पर एक बोतल मारता है, जिससे गार्ड की जान खतरे में आती है। फिर अशोक राघव की हालत समझकर उससे बाल सुधार गृह भेज देता है। दोस्तों, आगे आपको बताते चले इस कहानी में कि अब हम 12 साल बाद की कहानी की ओर बढ़ेंगे, जी हाँ, जिसमें हम देखते हैं कि शहर का सक्सेसफुल बिजनेसमैन रणविजय सक्सेना यानी रणवीर सिंह को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलता है। जी हाँ, रणविजय सबके लिए एक इंस्पिरेशन होता है। वो इंडिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ कमाल करके देश की शान बढ़ाना चाहता है। फिर दोस्तों, कुछ दिनों बाद रणविजय का असिस्टेंट उससे अशोक के बारे में बताता है, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका है। रणविजय अशोक से मिलने जाता है और उससे कहता है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके ये रोबोट्स काफ़ी कमाल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कॉन्टेक्ट पर काम करूँ, जिससे हम सबको फायदा होगा, आप क्या कहते हैं? अशोक थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, देश के लिए करना है तो हम साथ काम करेंगे। रणविजय हर रोज तो नहीं पर काफी बार अशोक से मिलने आता है, पर अशोक ज्यादातर लैब में रहता है। एक दिन रणविजय कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आता है और अशोक उस पर साइन करता है। रणविजय अशोक से कहता है, सर ये गणपति बप्पा की मूर्ति लीजिए, हम शुभ काम की शुरुआत कर रहे हैं ना। अशोक भी खुश हो जाता है।
दोस्तों आगे आपको बताएं कि फिर दिन पे दिन रणविजय और अशोक रोबोट्स पर काम करते हैं, पर रणविजय को कंफ्यूज देखकर अशोक कहता है क्या हुआ। रणविजय कहता है सर मुझे इस रोबोटिक दुनिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दिन शहर में न्यूज फैलती है कि रणविजय की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये सुनकर अशोक परेशान होता है। आगे इस क्रम में बताते चले दोस्तों कि अशोक लैब में जाता है, तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी वहां आता है। फिर वो अशोक की टेक्नोलॉजी उसका कोट चुरा कर कहता है कहा था ना बदला तो लेके रहूंगा, और वो काफी बातें बताता है जैसे सुनकर अशोक के चेहरे पर 12 बजते हैं। फिर वो शख्स रोबोट के हाथ में गन देकर कहता है शूट हिम, वो शख्स चला जाता है। तब अशोक को अपनी बेटी पूर्वी यानी कृति सेनन का कॉल आता है। आगे आपको बताते चले दोस्तों इस कहानी में कि अशोक जैसे तैसे करके कॉल उठाता है, पर तभी वहां पर दौड़कर एक शख्स आता है और कहता है अरे मेरा दोस्त तो यही रह गया, और उसी वक्त अशोक की मौत हो जाती है। तो अब क्या होगा उस कोड का, हम जानेंगे इसी सवाल का जवाब लेकिन अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन सी चार मूवीज रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड हैं? क्या फिल्म धूम और स्पेशल 26 सेम है या फिर सिमिलर प्लॉट्स पर हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों आजकल बहुत सारी फिल्में रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती हैं। अब देखिए लोग उन्हें पसंद भी करते हैं तो अब मेकर्स ने एक फंडा बना लिया है, उनका एक लॉजिक है कि अगर वो कोई भी अन्य टॉपिक पर फिल्म लेकर आएंगे तो थोड़े समय में वो फीकी पड़ जाएगी या फिर फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन अगर वो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर फिल्म लेकर आएंगे या फिर किसी इंडियन ऑफिशियल पे कोई फिल्म लेकर आएंगे तो वो फिल्म चलनी ही चलनी है, जनता उसे जरूर सपोर्ट करेगी। अब मैं इधर उधर की कहां बातें कर रही हूं, अपने घर की ये बात बता देती हूँ। जब भी कोई मूवी लगती है तो मेरी मम्मा का सबसे पहले यही सवाल होता है कि भाई ये रियल लाइफ पर बेस्ड कोई स्टोरी है, और आई एम डैम श्योर आप सबके घरों में भी ऐसा जरूर होता होगा। अगर होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी कहानी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि रियल लाइफ पर तो बेस्ड हैं पर मोस्टली बहुत सीरियस इशू पर होती हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ऐसी मूवी जरूर देखी है जो कि हंसी मजाक करते करते जिसमें चोरी चकारी हो गई हो? नहीं, भरोसा नहीं हुआ, आपने जरूर देखी है भले ही आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा हो। तो चलिए मैं ये बताती हूँ, धूम। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, धूम फ्रेंचाइजी। अब बहुत सारी इसकी सारी फिल्में तो इस पर बेस नहीं है रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर, बट कुछ फिल्मों में कुछ पार्ट्स रियल लाइफ से जरूर इंस्पायर्ड हैं। और इसके जैसी और भी कई फिल्में हैं, पर आपको बता दूं कि धूम 4 आने वाली है दोस्तों। जी हाँ अब धूम की अगली फ्रेंचाइजी बनने वाली है, अगला सीक्वल आने वाला है। अब आपको इस इंसिडेंट के बारे में भी बता देती हूँ। तो धूम की पिछली फिल्म में एक सीन लिया गया था जो कि केरला के एक केस से इंस्पायर था। वहां पे कुछ चोरों ने एक बहुत बड़ा होल डिग किया था और उसके सहारे वो बैंक पहुंचे थे, बैंक में उन्होंने चोरी चकारी की थी। अब इसी चीज से इंस्पायर्ड होकर मेकर्स ने धूम की पिछली फिल्म में एक सीन दिखाया था जहां पे गोवा के एक कैसीनो में हंसी मजाक में चोरी चकारी हो जाती है, करोड़ों के पैसे चुराए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको देखकर हंसेंगे, उन्हें बहुत मजा आया था, लेकिन वो ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि ये किसी रियल इंसिडेंट से भी लिया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, आपको नाम गिनाऊंगी। अब पहली मूवी तो हो गई, दूसरी मूवी का नाम है बंटी और बबली, जिसका हाल ही में सीक्वल भी आया था। तो इसमें बंटी बबली का किरदार जो पहली मूवी थी उसमें अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने निभाया था, और दूसरी फिल्म में सैफ अली खान दिखाई दिए थे जो कि इतनी चल नहीं पाई। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे बंटी बबली नाम के कैरेक्टर्स थे रियल लाइफ में थे जो कि भेस बदल कर अलग अलग जगहों पर चोरी करते थे और मोस्ट वॉन्टेड भी थे इंडिया में। अब ये तो हो गई दूसरी फिल्म, अब तीसरी फिल्म का नाम है स्पेशल 26। जी हाँ दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि अक्षय कुमार ने कैसे मनी हाइस्ट की थी। अब वो ऐसे ही किरदार में धूम के नेक्स्ट पार्ट में भी नजर आ सकते हैं। अब उन्होंने स्पेशल 26 में तो बहुत सारे लोगों को हैंडल किया था एक झूठा फर्जी आईएएस ऑफिसर बनकर, लेकिन धूम में उन्हें बहुत कम लोगों से छोटे मोटे ग्रुप्स को हैंडल करना पड़ सकता है जो कि उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो दोस्तों अक्षय कुमार का नाम भी लिया जा रहा है धूम की अगली मूवी के लिए।
अब ये हो गई 3 फिल्में। चौथी मूवी का नाम है डर, जिसमें हमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में दिखे थे। आपको याद होगा कि कैसे शाहरुख खान ने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो कि एक लड़की का पीछा करता है, हमेशा पीछा करता है। उसको ये तक मालूम होता है कि वो लड़की कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, सब कुछ। उसके प्यार में पागल हो गया रहता है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती कि वो सामने जाके उससे कुछ कहे। ऐसा ही एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी है। स्नैपडील नाम की कंपनी में काम करने वाला एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा था और वो उसकी हर एक हरकत पे नजर रखता था। यहाँ तक कि उस लड़की के घर पे चोरी भी हुई थी और बाद में उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज भी किया था। तो आप देख रहे हैं कैसे इन सारी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरीज को लेके मेकर्स फिल्म्स बना रहे हैं। अब आप देखिए, धूम के मेकर्स के पास जो अगली मूवी वो लाने वाले हैं उसके लिए काफी सारे चॉइसेस हैं, लेकिन एक वाइज डिसीजन ही फिल्म को कामयाब बनाएगा। तो अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट धूम की मूवी कितना धमाल मचाती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन चारों स्टोरीज में से कौन सा मनी हाइस्ट सबसे ज्यादा पसंद आया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लॉट ट्विस्ट हुआ फायदेमंद साबित और क्या धूम 3 का एक्सपेरिमेंट रहा था कामयाब, जानेंगे और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, जब भी किसी फिल्म की फ्रेंचाइज अपने एक एलिमेंट की वजह से जानी जाने लगती है तो फिर मेकर्स चाहते हैं कि उसमें इस बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे जनता हो जाए सरप्राइज। बस इसीलिए मेकर्स नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स तलाश करते ही रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि हम किसी एक्शन से भरपूर फिल्म में रोमांटिक तड़का लगा दें या फिर किसी रोमांटिक फिल्म में हम कॉमेडी डाल दें। अब देखिए, हर बार तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहता है, लेकिन जब रहता है ना तो मेकर्स की लॉटरी लग जाती है। और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ था धूम 3 के साथ भी। अब देखिए, धूम फ्रेंचाइज को आप लोग भी जानते हैं कि ज्यादातर जानी जाती है अपने बाइक स्टंट्स और चेज वाले एक्शन की वजह से, लेकिन धूम 3 में जो ट्विस्ट डाला गया था वो एकदम अलग से ही उभर के आया और उसने जनता को बेहतरीन तरीके से सरप्राइज करने का काम किया था। दोस्तों, धूम 3 में हमें आमिर खान नजर आए थे डबल रोल में, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दरअसल फिल्म को अगर आप शुरुआत में देखेंगे ना तो आप मतलब गेस ही नहीं कर सकते कि उस फिल्म में हमें ऐसा कुछ डबल रोल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल उस रोल को इतना छुपा के रखा गया था कि जनता के लिए कोई हिंट छोड़ी ही नहीं गई थी। ऐसे में जब इंटरवल के बाद ये राज पर से पर्दा उठता है तो वो चीज जो थी, वो एक्साइटमेंट, वो सरप्राइज का एलिमेंट जो था, वो धूम 3 को एक अलग ही लेवल पर ले गया। बस इसीलिए यही रीजन था कि धूम फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी धूम 3। देखिए, धूम 3 तो रही हिट, लेकिन अब वक्त है इस फिल्म फ्रेंचाइज के चौथे पार्ट का। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, जल्द ही हमें बड़े पर्दे पे देखने को मिल सकती है धूम 4। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मेकर्स इस बार भी एक्शन के साथ कुछ नया सा ट्विस्ट डालेंगे फिल्म में या फिर नहीं। क्या मेकर्स इस बार भी उस ट्विस्ट वाली लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या नहीं। वैसे अगर करते हैं तो उन्हें जरूरत होगी एक दमदार स्क्रिप्ट की, जिसकी तलाश शायद वो शुरू कर चुके हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी और कितने एक्साइटेड हैं आप लोग धूम 4 को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए, लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। किस बात का खुलासा हुआ सीसीटीवी में? क्या हैकर्स की मेहनत लाएगी रंग? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। धूम और धूम की तीनों सीरीज ने सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, सारे जॉनर्स का बेस्ट वर्जन दिखाया। धूम की सीरीज में हमने अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, आमिर खान, जॉन इब्राहिम, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बासु, कटरीना कैफ जैसे कई सारे दमदार कलाकार देखे। और अब इसके बाद बारी है चौथे पार्ट की। वैसे धूम 4 की हमारी कहानी में अब तक आपने ये सुना कि साइंटिस्ट अशोक यानी अनुपम खेर का मर्डर हो जाता है,
मर्डर के दिन अशोक को उनकी बेटी पूर्वी यानी कृति सैनन का कॉल आता है। कॉल उठाते वक्त मर्डरर फिर से आकर कहता है, अरे मेरा दोस्त यहीं रह गया। अशोक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन। इस केस में अशोक के खिलाफ का सिक्योरिटी ऑफिसर सलीम यानी अभिमन्यु सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। अशोक और बिजनेसमैन रणविजय यानी रणवीर सिंह के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चेक भी किए जाते हैं। साथ ही जय रणविजय के घर जाता है और देखता है कि रणविजय के हाथों और पैरों में लगी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। और वहां से आते जाते वक्त ना उसे काफी मिट्टी गंदगी भी दिखाई देती है। तभी पुलिस ऑफिसर अली यानी उदय चोपड़ा का साइकिल ड्रामा शुरू होता है जो उसे रणविजय के घर के बाहर दिखी थी। इस सब को देखते हुए जय के दिमाग में ना एक घंटी बजती है और वो अली से कहता है, हॉस्पिटल जाकर जानकारी लेकर आओ। दरअसल रणविजय की हालत क्यों ठीक नहीं है इसकी जानकारी जय अली से निकलवाने के लिए कहता है। अली हॉस्पिटल जाता है और वहां के डॉक्टर से मिलकर बाहर आते वक्त उससे टकराता है अशोक का साइंटिस्ट फ्रेंड कुमार यानी कुमुद मिश्रा, जिस पर जय को शक है। कुमार हंसकर अली से बात करके वहां से चला जाता है। फिर अली पुलिस स्टेशन आने के बाद जय को सारे सीसीटीवी फुटेज और रणविजय की फाइल देता है। तभी अली कुमार के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर जय को भी शॉक होता है। अब उस सीसीटीवी फुटेज में भी उसे कुछ ऐसा सबूत मिलता है जो उसे हैरान करने वाला है। जय को पूर्वी के पास जाना था, इसलिए ना वो हड़बड़ी में होता है। पर तभी उसके सीनियर उसे कॉल कर मिलने के लिए बुलाते हैं। अब ये तो जय के विरुद्ध कोई षड्यंत्र है ऐसा उसे लगता है। उसी के साथ अली को भी जाना पड़ता है क्योंकि वो भी तो इस केस में शामिल है। इसलिए जय तुरंत ही पूर्वी को एक मैसेज करता है और उसे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भेज देता है। अगले ही दिन पूर्वी रणविजय के घर जाती है। दूसरी ओर जय पूर्वी के घर जाता है पर वहां पर वो नहीं होती। फिर जय रणविजय के घर जाता है। पूर्वी रणविजय से कहती है, मेरे पापा का जो भी सपना था वो आप और कुमार अंकल मिलकर पूरा कीजिए। जो भी प्रोजेक्ट है उसे आप अधूरा मत छोड़िए। जय कहता है, आप क्या कह रही हैं? आप ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता। क्या पता ये प्रोजेक्ट ही सबका कारण हो। पूर्वी बरस कर कहती है, मुझे नहीं पता, अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई हूँ। इस पर रणविजय कहता है, नहीं पूर्वी, एसीपी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को जरूर पूरा करूंगा। आखिर अशोक सर मेरे लिए अहम थे। जय के साथ खड़ा हुआ अली जय के कानों में कहता है, बॉस आपकी लेडी लव तो गुस्सा कर गई, और इस रणविजय को देखिए कितना डाउन टू अर्थ है। अली जय को चिढ़ाता है, बॉस गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपको ये तो नहीं लग रहा कि पूर्वी और रणविजय का कुछ चक्कर है? हो भी सकता है, क्योंकि इतना अमीर जो है लगता है गणेश जी का भक्त है। कितनी सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं, इससे पहले कि गणेश जी उसकी रिक्वेस्ट कबूल करें आप कुछ करो। फिर जय गुस्से से वहां से निकल जाता है। इसके बाद जय और अली टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट विक्रम यानी विक्रांत मैसी को लेकर अशोक की लैब में पहुंचते हैं। विक्रम ने तो पहले ही कहा था अशोक के सिस्टम में दो पासवर्ड है और ये खुलने में ना टाइम लगेगा। हैकर्स की भी मदद ली जाती है पर कुछ नहीं होता। जय पुराना सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें लैब में आने जाने वाला हर शख्स होता है। जय देखता है कि रणविजय अशोक के हाथ में ना एक गणेश जी की मूर्ति दे रहा है। तो अब इस सब से क्या हासिल होगा जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। क्या अनुष्का सेन होंगी धूम 4 में? कौन है अनुष्का सेन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अनुष्का सेन छोटे पर्दे की सबसे लोकप्रिय टीवी अभिनेत्रियों में से एक है। अब तक उनके कई टीवी शो हिट हो चुके हैं। अभिनेत्री को बहुत कम उम्र में काफी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। अपनी प्रतिभा से अनुष्का सेन हमेशा हमारा दिल जीतती आई हैं। यहाँ तक कि अनुष्का सोशल मीडिया स्टार हैं और अपने प्रशंसकों को यही अपने बारे में अपडेट करती है। एक्ट्रेस अनुष्का सेन एक फैशनिस्टा भी है और उनका स्टाइल गेम हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। वो बचपन से इंडस्ट्री में हैं और कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं। अब अनुष्का सेन के फैंस उन्हें बॉलीवुड की हिट सीरीज में देखना चाहते हैं। आपको बता दें ये सीरीज कोई और नहीं बल्कि धूम है। दरअसल अनुष्का सेन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो बर्फ में स्नो बाइक की सवारी करती हुई दिख रही है। वीडियो में धूम का ट्रैक लगाया है। इसी को देखकर प्रशंसकों का कहना है कि उन्हें धूम 4 में कास्ट किया जाना चाहिए। अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में जी टीवी के शो यहाँ में घर घर खेली से एक बाल कलाकार के रूप में की थी।
उसी साल उनका पहला म्यूजिक वीडियो हमको है आशा जारी हुआ था। 2012 में वो टीवी धारावाहिक बालवीर में मेहर का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुई। 2015 में वो बॉलीवुड फिल्म क्रेजी कुक्कड़ फैमिली में दिखाई दी थी। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत, तब तक आप की खासियत, क्या ऋतिक और ऐश्वर्या साथ नजर आ सकते हैं? इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन ऋतिक रोशन के बारे में मेकर्स ने खुलासा किया है कि वो धूम फ्रेंचाइजी के फोर्थ सीक्वल में जल्द ही नजर आ सकते हैं। ऋतिक रोशन धूम के पहले दो पार्ट्स में ऑलरेडी एज अ लीड रोल काम कर चुके हैं और उन्होंने ऐश्वर्या राय और ईशा देओल के साथ भी काम किया है। धूम फैंस को हमेशा से ही इस मूवी के पुराने एक्टर्स के रियूनियन की डिमांड थी। शायद YRF Productions के मालिक आदित्य चोपड़ा उनकी यही मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो धूम 4 में हमें ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋतिक रोशन की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। धूम के अलावा इन दोनों ने जोधा अकबर में एक साथ काम किया है। फिल्मों में काम करने के बाद ऋतिक ने ऐश के बारे में कहा था कि जब पहली बार उन्होंने ऐश के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि वो सिर्फ सुंदरता की प्रतिमा है, लेकिन वो जब ऐश से सेट पर मिले तो उसके बाद उनका नजरिया ही बदल गया। उनका कहना है कि ऐश्वर्या राय ब्यूटी विद ब्रेन है और इन दोनों को स्टार्स की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। ऋतिक की हाल ही में आई मूवी वॉर काबिल दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी रही। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में टाइगर श्रॉफ के साथ वॉर 2 भी शामिल है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा का कहना है कि इस फिल्म के लिए जो पर्सनालिटी चाहिए वो काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और ऋतिक रोशन के अलावा लड़कियों में ऐसा फैन बेस और किसी का नहीं है, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि किस तरह की एंट्री करवाते हैं आदित्य ऋतिक रोशन से इस फिल्म में। धूम 4 के लिए अलग से स्टंटमैन को ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि इस बार रिपोर्ट्स का मानना है कि इस फिल्म के स्टंट्स काफी टफ होने वाले हैं और एक्टर्स के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो धूम 4 को म्यूजिक देने का जिम्मा कंपोजर प्रीतम दा को दिया गया है क्योंकि उनका आदित्य के साथ काफी अच्छा और हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशन है और उन्होंने पहले भी उनकी फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। धूम 4 में कौन से नए चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? ऋतिक ऐश की जोड़ी देखने को कितने बेताब हैं आप सब? अगर ऋतिक इस फिल्म के हीरो हैं तो कौन होगा इस फिल्म का विलन? आप लोग अपने क्रिएटिव कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। आखिर क्यों निभा रही हैं दीपिका पादुकोण धूम 4 में विलन का किरदार? क्यों करना चाहते हैं मेकर्स उनकी फीस में कटौती? क्या इस मूवी के बाद चेंज हो जाएगी दीपिका की इमेज? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। धूम 4 का क्रेज तो फैंस में तभी से था जब से धूम 3 हिट हुई थी, जबकि अभी तक मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, तब भी फैंस के बीच में इसका क्रेज देखने लायक है। धूम 3 में आमिर खान, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा थे। ये मूवी करीब 8-9 साल पहले रिलीज हुई थी और फैंस तब से ही धूम 4 का इंतजार कर रहे हैं। अक्सर हम सबने टीवी सीरियल्स और मूवीज में तो फीमेल विलन देखी ही है, लेकिन एक्शन थ्रिलर जॉनरे में ऐसा बहुत कम हुआ है कि फीमेल एंटागोनिस्ट देखने को मिले। ऐसा ही कुछ नया सीन देखने को मिलेगा धूम 4 में, जिसमें तमाम ऐसी रिपोर्ट्स जो सलमान खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार के लीड रोल में होने का दावा कर रही थी, अब उन सब पर फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि ये हाल ही में खुलासा हुआ है कि ये तीनों एक्टर्स नहीं बल्कि बॉलीवुड के A-listers में आने वाली हमारी मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण बनेगी इस मूवी की मेन विलन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। खबरों के अनुसार जब दीपिका से धूम 4 के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने हिंट देते हुए बताया कि वो इस फिल्म का पार्ट बनने की बहुत टाइम से इच्छुक है,
और अगर मेकर्स उन्हें इस मूवी में किसी भी रोल के लिए सही समझते हैं तो उन्हें इस बात से खुशी होगी। यही नहीं, वो धूम 4 को साइन करने से पहले अपने बाकी प्रोजेक्ट से अलग टाइम निकालेंगी। मेकर्स की जहां तक बात है तो उनका मानना है कि कोविड के समय में सबको बहुत दिक्कत आई और क्योंकि इस मूवी में मेगा स्टार्स के भी होने की संभावना है, इसलिए वो इन एक्टर्स की फीस में थोड़ी कटौती करेंगे। दीपिका पादुकोण की फीस आजकल डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा लग रही है और वो उनके साथ मिलकर इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि इस मूवी में काफी सारे स्टंट सीन्स भी रहेंगे, इसलिए दीपिका की सेफ्टी के लिए भी बॉडी डबल को इन सीन्स के लिए यूज किया जाएगा। क्या आप लोग भी चाहते हैं इस मूवी में दीपिका को एज अ विलन देखना? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। दो चोरी, चोर दोनों बार हिंदी में लिखी गई। क्या कियारा बनेंगी इस मूवी की एक्ट्रेस? क्या इस फिल्म की स्टोरीलाइन बाइक से रिलेटेड रहेगी? एक्टर प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम पूरी तरह से तैयार हैं अपने बाइक के पैशन को बड़े पर्दे पर लाने के लिए। जॉन इब्राहिम जल्द ही एक ऐसी फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसकी कहानी बाइक्स की स्टोरी पर रिवॉल्व करेगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि धूम 4 है। ये मूवी उनकी प्रोड्यूसर अजय कपूर के साथ तीसरी मूवी होगी। पहली और दूसरी फिल्म थी 2018 की हिट मूवी परमाणु और एक्शन थ्रिलर रॉ यानी रोमियो अकबर वॉल्टर। पिछली बार जब जॉन इब्राहिम ने सिल्वर स्क्रीन पर बाइक चलाई थी तब वो धूम के लिए थी और इस बार भी धूम के लिए ही है। ये फिल्म अभी बन ही रही है जिसकी कहानी के बारे में जॉन बताते हुए कहते हैं कि उनका बाइक के साथ हमेशा से ही अच्छा रिलेशन रहा है और उन्हें बाइक चलाना हमेशा से ही पसंद है और वो चाहते हैं कि इस फिल्म में वो हिस्सा बने। हालांकि उन्होंने इस फिल्म के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है। खैर, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इस फिल्म को लेकर, लेकिन हम इस फिल्म में जॉन को देखना काफी ज्यादा पसंद करेंगे। बात करें जॉन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो फिलहाल उसमें पठान फिल्म शामिल है। बात करें इस फिल्म के एक्ट्रेस की तो इस फिल्म के लिए कियारा आडवाणी को अप्रोच किया गया है। बता दें कि कियारा आडवाणी ने मशीन फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और फिलहाल उनकी सक्सेस बढ़ती ही जा रही है। उनकी फिल्में शेरशाह, गुड न्यूज और कबीर सिंह को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। कियारा से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है, अभी तक उन्हें यशराज प्रोडक्शंस ने कोई कॉल नहीं किया है और जब मेकर्स उन्हें इस बारे में अप्रोच करेंगे तब जाके वो किसी भी नतीजे पर पहुंचेंगी। क्या आप लोग भी जॉन इब्राहिम को फिल्म धूम 4 का पार्ट बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या जिस मूवी की बात जॉन कर रहे हैं वो धूम 4 ही है? क्या इस मूवी में कियारा आडवाणी हमें एज अ लीड एक्ट्रेस नजर आने वाली है? इनके अलावा कौन? मूवी का विलन कितनी सक्सेसफुल रहेगी धूम 4? SRK क्या बिखेर पाएंगे इस मूवी में अपना जादू? हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। 2 नवंबर को शाहरुख खान ने अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस बार मन्नत के बाहर फैंस के SRK चिल्लाने की आवाज नहीं आई क्योंकि ये एक वर्चुअल सेलिब्रेशन था। लेकिन इसके बावजूद फैंस का जोश कम नहीं हुआ और सबने उन पर सोशल मीडिया द्वारा प्यार और विशेष बरसाए। सैडली पिछले साल की तरह इस साल भी किंग खान ने साल की शुरुआत में अपनी फिल्मों का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स में आने के आसार दिख रहे हैं। उनमें से एक है पठान, दूसरी है राजकुमार हिरानी की फिल्म और तीसरी साउथ इंडियन डायरेक्टर एटली के साथ आने वाली एक अनटाइटल्ड फिल्म भी शामिल है। इन सब फिल्मों में से जो फिल्म सुर्खियों में बनी है वो है यशराज प्रोडक्शन की धूम 4।
2013 में से जब से धूम 3 रिलीज हुई है तब से ही फैंस बहुत एक्साइटेड थे अगले सीक्वल में कौन सा सुपरस्टार देखने को मिलेगा इस बात को लेकर। और अब इस बात के चांसेस बन रहे हैं कि SRK ही इस फिल्म के विलन होंगे। जब मीडिया ने उनसे धूम 4 के बारे में पूछा था तब SRK ने कहा था कि वो पूरे दिल और इच्छा के साथ इस फिल्म का पार्ट बनना चाहेंगे। सिर्फ यही नहीं, रूमर्स है कि बाजीराव फेम रणवीर सिंह भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे। फिलहाल तो SRK की चेन्नई एक्सप्रेस 2 काफी सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन अभी भी उनकी पठान के अलावा कोई और दूसरी फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। और तो और दोस्तों, धूम 4 के लिए हमेशा से मिस्ट्री बनी हुई थी कि कौन सा अगला सुपरस्टार मूवी में फीचर होगा। जीरो मूवी के बुरे प्रदर्शन के बाद से किंग खान अपना हर कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में ही जब उनसे उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि अभी के लिए वो कोई भी फिल्म साइन करने के इच्छुक नहीं हैं। उनका मानना है कि जैसे ही कोई फिल्म खत्म होती है लोग अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं, लेकिन इस बार SRK ने अपने काम से ऑफ लिया है। वो अपना ज्यादा टाइम रीडिंग और ट्रैवलिंग में स्पेंड कर रहे हैं। जब इंडो पाक वर्ल्ड वॉर मैच हुआ था उस दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे अब्राम के साथ पिक पोस्ट की थी जिसमें जूनियर SRK ने द लायन किंग की जर्सी पहन रखी थी। उसी के कुछ दिन बाद जब SRK के इंडस्ट्री में 27 साल पूरे हुए तब उनके दोस्त शरद ने उन्हें एक बाइक गिफ्ट की, जिसके बाद फैंस ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि धूम 4 में SRK ही दिखेंगे और फिर #धूम4विद SRK ट्विटर पर वायरल होने लगा। तो शाहरुख खान ने 2019 में उनकी टेलीविजन शो टेड टॉक 2 भी कंप्लीट की थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी और अब उनके फैंस उनसे और भी ज्यादा शोज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सबका ध्यान उनके धूम 4 वाले प्रोजेक्ट पर ही है। दोस्तों क्या लगता है आपको? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स, लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है बच्चन के नए प्रोजेक्ट्स। इस बार क्या नया करने वाले हैं अभिषेक बच्चन धूम 4 में? क्यों हो रही है मूवी रिलीज में डिले? गुलाब जामुन निशिकांत कामत की अनटाइटल फिल्म और प्रभु देवा के साथ एक रीसेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस साल अभिषेक बच्चन काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। उन्हें दो बड़ी फ्रेंचाइजी धूम 4 और हेरा फेरी 3 के ऑफर्स आए हैं। मेकर्स उनसे मूवीज के हिसाब बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। धूम 4 पिछले कुछ सालों से चर्चा में बनी हुई है क्योंकि ये एक बेहद ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक है, इसलिए इसके प्रोग्रेशन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी में सुपरस्टार शाहरुख खान भी काम करते नजर आएंगे। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ऐसे में एकमात्र एक्टर्स हैं जो कि इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज में दिखाई दिए। खबरों के अनुसार जूनियर बच्चन का कहना है कि आमतौर पर जब भी धूम होती है तब बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती है, लेकिन जब तक फिल्म डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा खुद इन बातों की पुष्टि नहीं करते तब तक वो इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं कर पाएंगे और कोई अनाउंसमेंट नहीं देंगे। फ्रेंचाइजी के बाकी तीनों पार्ट्स के लिए आदित्य ने अभिषेक को कॉल पे सब बताया था, लेकिन धूम 4 के लिए इस बार उनकी तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं आया है। उनके अनुसार बंची और बबली 2 के टाइम भी काफी सारे रूमर्स उन्हें फेस करने पड़े थे जो कि बाद में बेबुनियाद निकले। अभिषेक अभी ऐश्वर्या के साथ गुलाब जामुन मूवी में भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो एक दिल छू लेने वाली स्टोरी है, यानी कि एकदम हार्ट टचिंग। आश और उन्हें ये स्क्रिप्ट तभी पसंद आ गई थी जब राइटर डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा ने उन्हें एक साल पहले ये स्क्रिप्ट सुनाई थी। इस मूवी में उनके अनुसार काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स चल रहा है, लेकिन इससे फ्लोर पे आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। अभिषेक को आखिरी बार द बिग बुल में देखा गया था और उनके इस किरदार को जनता ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। धूम 4 के बारे में आगे बताते हुए अभिषेक कहते हैं कि इस फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट अभी भी बाकी है। इसके अलावा पिछले इंस्टॉलमेंट्स को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर विक्टर ने एक और मूवी यानी कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बनाई है जो कि बॉक्स ऑफिस पर एकदम फ्लॉप रही। अभिषेक के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो हीरा फेरी 3 में दिखाई देंगे, जिसके बारे में उन्होंने चुप्पी साध ली। अभिषेक को नया रोल मिलेगा धूम 4 में, क्या कौन हो?
ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। धूम 4 में बॉलीवुड की कौन सी हसीना निभाएगी खलनायक का किरदार? कब रिलीज होगी ये फिल्म? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। बॉलीवुड के डिंपलगढ़ दीपिका पादुकोण धूम 4 में विलेन का किरदार निभाती हुई नजर आ सकती हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म धूम 4 बनाने की चर्चा काफी समय से हो रही है। चर्चा है कि दीपिका इस फिल्म में लेडी खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। यशराज बैनर धूम 4 में दीपिका पादुकोण को स्टाइलिश चोरनी के कैरेक्टर में पेश करने का फैसला लिया गया है। दोनों के बीच शूटिंग डेट्स को लेकर बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि धूम सीरीज की फिल्मों में विलेन का किरदार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। धूम में जॉन अब्राहम, धूम 2 में ऋतिक रोशन और धूम 3 में आमिर खान ने विलेन का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। बॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी धूम के मेकर्स इसके अगले पार्ट को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और इस फिल्म में फीमेल विलेन को लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण इस सीरीज के चौथे पार्ट में विलेन का रोल अदा करेंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार धूम 4 के मेकर्स ने कथित तौर पर इस रोल के लिए दीपिका पादुकोण से संपर्क किया है। हालांकि एक्ट्रेस इस चैलेंज को लेने के लिए काफी उत्साहित हैं। दीपिका पादुकोण को फिल्म साइन करने से पहले अपनी डेट्स को मैनेज करना होगा। धूम सीरीज अपने स्टाइलिश चेस सीक्वेंस और लोकेशंस के लिए जानी जाती है। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हर पार्ट में नजर आते हैं। वहीं पहले पार्ट में जॉन अब्राहम, दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और तीसरे पार्ट में आमिर खान ने विलेन का रोल प्ले किया था। वहीं फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट में फीमेल विलेन का होना दिलचस्प है। वहीं अगर दीपिका पादुकोण के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण नाग अश्विन की फिल्म में प्रभास के साथ काम करते दिखाई देंगी और वो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन के। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेगी धूम 4? किस पोजीशन पर है धूम फ्रेंचाइजी? कौन सी फ्रेंचाइजी फिल्म है बॉलीवुड में टॉप पर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्मों की फ्रेंचाइजी बनी है, जिसमें से एक है धूम सीरीज, जिसका चौथा पार्ट भी जल्द ही ऑडियंस के सामने आ सकता है। हमारी फिल्म की दुनिया में धूम फ्रेंचाइजी के अलावा और भी फिल्मों की सीरीज मौजूद है, जिसमें कमांडो, मर्डर, आशिकी और हेरा फेरी जैसी फिल्में की चेन शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन फिल्म सीरीज में धूम फ्रेंचाइजी किस पोजीशन पर है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है SS राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसने ये जगह अपनी शानदार कमाई के कारण पाई है। वहीं इस लिस्ट में दूसरी फ्रेंचाइजी है सलमान खान स्टारर फिल्म एक था टाइगर, जिसका तीसरा पार्ट इसी साल रिलीज किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है अक्षय कुमार की हाउसफुल फ्रेंचाइजी, जिसने लोगों को हंसाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि हिट फ्रेंचाइजी के इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है सलमान खान की दबंग सीरीज। अब बारी है पांचवें नंबर की, जिस पोजीशन पर खड़ी है धूम फ्रेंचाइजी। धूम सीरीज भले ही टॉप 5 में शामिल हो, लेकिन मेकर्स चाहते हैं कि धूम फ्रेंचाइजी को वो टॉप 3 में शामिल कर सकें। इसलिए वो धूम 4 का लेवल इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि जिससे ये फिल्म धूम सीरीज की बाकी फिल्मों की हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पांचवें पायदान से उछलकर सीधे टॉप 3 में एंटर हो सके। धूम फ्रेंचाइजी में अब तक 3 फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसके बाद मेकर्स अब इस फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट लाने को तैयार है। हालांकि इस बार धूम 4 में अभिषेक बच्चन आपको नहीं दिखाई देंगे, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के बीच कोल्ड वॉर का चलन। वहीं इस बार अभिषेक बच्चन की जगह रणवीर सिंह को देखने की उम्मीद है। वहीं अगर बात करें फिल्म के होने वाले विलेन की, तो इस रोल के लिए सलमान खान और शाहरुख खान का नाम सामने आ रहा है। वैसे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या धूम 4 अपनी फ्रेंचाइजी का लेवल बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी। तो आप लोग बताएं कि आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। क्या है अक्षय धूम 4 के लिए परफेक्ट? क्या अक्षय कुमार बनेंगे फिल्म का हिस्सा?
किस रोल के लिए अक्षय को सिलेक्ट कर सकते हैं मेकर्स? उस रोल के लिए अक्षय के अलावा और किस एक्टर का नाम आ रहा है सामने? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की फेमस धूम फ्रेंचाइजी में जल्द ही चौथा पार्ट जुड़ते हुए देखा जा सकता है। इस बार धूम 4 को मेकर्स नया टच देने की सोच रहे हैं, जिसके लिए अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है। अब फिल्म की कहानी जब भी तैयार हो, लेकिन फिल्म धूम 4 की स्टार कास्ट के लिए आए दिन किसी न किसी एक्टर का नाम सुनने में आ जाता है, और इस बार जिस एक्टर को फिल्म में जोड़ा जा रहा है वो है अक्षय कुमार। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार को अभिषेक बच्चन की रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। अब अभिषेक बच्चन तो फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से अपनी लड़ाई के कारण धूम 4 का हिस्सा बनने से रहे। अक्षय कुमार को ये रोल मिलने के बहुत चांसेस हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि इस बार ऑडियंस को अभिषेक नहीं बल्कि अक्षय पुलिस का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। वैसे अक्षय कुमार के लिए ये रोल बिल्कुल परफेक्ट भी है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का रोल उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई बार निभाए हैं, फिर चाहे वो फिल्म सूर्यवंशी में हो या फिर फिल्म राउडी राठौड़ में। वही अक्षय कुमार के अलावा फिल्म धूम 4 में अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करने के लिए रणवीर सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। अगर सच कहे तो मेकर्स इन दोनों एक्टर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धूम 4 में जगह पाने के लिए हमें अक्षय कुमार वर्सेस रणवीर सिंह देखने को मिल सकता है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से ये फिल्म मिलती किसको है। आगे बात करें तो धूम फ्रेंचाइजी में अब 3 फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें से तीनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वही बात की जाए कि इस फिल्म के होने वाले विलेन की तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि शाहरुख खान या सलमान खान में से कोई एक फिल्म में इस रोल के लिए चुने जाए। हालांकि इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्या उदय चोपड़ा भी छोड़ सकते हैं इस फिल्म को? तो क्या अभिषेक बच्चन बनेंगे इसका कारण, या फिल्म मेकर्स ही नहीं करेंगे उदय चोपड़ा को अप्रोच? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की खास और अनोखी वीडियो में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। गाइस, जिस फिल्म का लोगों को कब से इंतजार है वो है फिल्म धूम 4, क्योंकि धूम 3 के सक्सेस के बाद लोग धूम फ्रेंचाइजी का अगला सीक्वल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन इस बार हमें धूम फ्रेंचाइजी के स्टार कास्ट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां अभिषेक बच्चन इस फिल्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फिल्म अभिषेक बच्चन के जोड़ीदार बनने वाले उदय चोपड़ा भी इस फिल्म यानी कि धूम 4 में नजर न आए। दोस्तों, अब आप लोगों को याद तो होगा ही कि धूम फ्रेंचाइजी की अगर हर फिल्म में अभिषेक बच्चन थे तो उनका साथ देने के लिए उदय चोपड़ा भी थे, तो इस फिल्म में अली नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। वैसे धूम 4 में इनके ना होने का कारण ये बताया जा रहा है कि मेकर्स ने धूम 4 के लिए ऐसी कहानी सोची है उसके मुताबिक उदय चोपड़ा को कोई भी रोल अलॉट नहीं किया गया है, जिसके कारण मेकर्स उदय चोपड़ा को अप्रोच नहीं करेंगे। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसका इनडायरेक्टली कारण अभिषेक बच्चन ही है, क्योंकि उनके और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के बीच चल रही कोल्ड वॉर का साइड इफेक्ट उदय चोपड़ा के रोल पर भी पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, धूम 4 के स्क्रिप्ट लॉक होने में अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए अभी भी चांसेस हैं कि मेकर्स उदय चोपड़ा को फिल्म में कास्ट कर सकते हैं। बाकी तो आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि मेकर्स उदय चोपड़ा को फिल्म में लाने के बारे में सोचते हैं या नहीं। आगे अगर बात करें धूम फ्रेंचाइजी में अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं, इसमें से तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वहीं बात की जाए इस फिल्म के होने वाले विलन की, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शाहरुख खान या सलमान खान में से कोई एक फिल्म में इस रोल के लिए चुना जाए। हालांकि इन दोनों में से सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि शाहरुख खान को ये मौका मिले, क्योंकि शाहरुख खान पहले भी इस तरह के किरदार निभा चुके हैं। तो अब आप लोग बताइए कि आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड। हुआ था बाइकर्स के कारण बवाल? क्या धूम 4 में होगी बाइक्स मॉडिफाई? क्या बिना बाइक्स के धूम 4 बन ही नहीं सकती? धूम से इंस्पायर होकर कहां हुई थी चोरी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
जल्द ही धूम 4 की फाइनल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस के इस इंतजार का सबसे बड़ा कारण है फिल्म में होने वाले बाइक स्टंट्स, क्योंकि आज ही जब कभी धूम फिल्म का नाम आता है तो लोग सबसे पहले फिल्म में दिखाए गए बाइक्स की ही बात करते हैं। अब जब धूम 4 बनने वाली है तो इस बार हो सकता है कि मेकर्स ऑडियंस को वो सभी बाइक स्टंट मॉडिफाई करके दिखाया जाए, क्योंकि यही तो ऑडियंस को पसंद आता है। वहीं कई फैंस का तो मानना है कि बिना बाइक्स के धूम 4 तो क्या इस फ्रेंचाइजी की कोई भी फिल्म नहीं बनाई जा सकती है, और अगर बना भी ली गई तो उस फिल्म को उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। वैसे धूम फ्रेंचाइजी की इन बाइक्स का एक न भूलने वाला किस्सा भी है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये न पता हो कि जब फिल्म धूम रिलीज हुई थी तब केरला में एक चोरी हुई थी, जिसमें उन चोरों ने बिल्कुल वैसे ही चोरी की टेक्निक अपनाई थी जैसे ही फिल्म धूम में दिखाया गया था। उस चोरी के बाद केरला की पुलिस ने ही लोगों को बताया था कि ये चोरी फिल्म धूम से इंस्पायर्ड है। वैसे सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि इस फिल्म के बाद लोगों में जैसे बाइक रेसिंग का भूत ही सवार हो गया था, जिसकी झलक आज भी दिखाई देती है। धूम फ्रेंचाइजी में अब तक 3 फिल्में बनाई जा चुकी है, जिसके बाद मेकर्स अब इस फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट लाने को तैयार है। हालांकि इस बार धूम 4 में अभिषेक बच्चन आपको न दिखाई दे, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। वहीं इस बार अभिषेक बच्चन की जगह रणवीर सिंह को देखने की उम्मीद है। वहीं अगर बात करें फिल्म में होने वाले विलेन की, तो इस बार ये रोल के लिए सलमान खान और शाहरुख खान का नाम सामने आ रहा है। बाकी तो आगे देखना दिलचस्प। कारण अभिषेक बच्चन ने छोड़ी फिल्म क्यों हुई थी अभिषेक बच्चन की धूम फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर से लड़ाई? धूम 3 के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में क्या हुआ था ऐसा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फिल्म इंडस्ट्री में धूम फ्रेंचाइजी एक ऐसी फिल्मों की चेन है जिसकी हर फिल्म ने ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया है। इसलिए जब से फिल्म धूम 4 बनने की खबर आई है, तब से फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन इस बार आपको धूम 4 में अभिषेक बच्चन नहीं दिखाई देंगे, और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि धूम फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। कहा जाता है कि इस लड़ाई की शुरुआत आमिर खान के कारण हुई थी, क्योंकि जब फिल्म धूम 3 की शूटिंग चल रही थी उस वक्त ऐसी कई बातें थी जो अभिषेक बच्चन को नापसंद थी, लेकिन आमिर खान के कारण आदित्य चोपड़ा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये लड़ाई तब बहुत ज्यादा बढ़ गई जब धूम 3 के क्लाइमैक्स सीन को शूट किया जा रहा था। उस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि अभिषेक जब शूटिंग लोकेशन पर पहुंचे तब उन्हें अचानक से बताया गया कि स्क्रिप्ट को आमिर खान ने बदल दिया है। ये बात अभिषेक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जब वो इस बारे में आदित्य चोपड़ा से बात करने पहुंचे तब उन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। और उसी समय अभिषेक ने आगे धूम 4 के किसी भी पार्ट में काम करने से साफ इनकार कर दिया। वैसे आगे हो सकता है कि रणवीर सिंह अभिषेक बच्चन को रिप्लेस कर दें। आपको बता दें कि हिंदी फिल्म सीरीज की गिनती बहुत कम है, इसलिए इनके हर पार्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसकी वजह है लोगों की इनके नए पार्ट के लिए एक्साइटमेंट और अच्छा बिजनेस। यही कारण है कि धूम फ्रेंचाइजी के मेकर्स फिल्म का चौथा पार्ट भी लाने को तैयार हैं। इस फिल्म में जहां इस बार रणवीर सिंह पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, तो वहीं फिल्म में विलन बनने के लिए इंडस्ट्री के सबसे बड़े दो नाम सुनाई दे रहे हैं, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान का नाम शामिल है। बाकी तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक बच्चन और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की कोल्ड वॉर कभी खत्म होती है या नहीं। तो आप लोग बताएं। कौन सी फिल्म पर बना था गेम? कितने गेम्स को किया गया था रिलीज उस फिल्म के नाम पर? क्या धूम 4 के नाम भी होगा गेम आउट? हेलो दोस्तों, मैं रौनव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धूम फ्रेंचाइजी एक ऐसी चेन है जिसकी तीनों फिल्मों को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था, और अब तो इस फ्रेंचाइजी में चौथा पार्ट भी जुड़ने वाला है जिसके लिए मेकर्स ने तैयारी शुरू कर दी है। वैसे इस धूम फ्रेंचाइजी की फिल्में इतनी ज्यादा फेमस है कि धूम 3 के नाम पर एक गेम तक रिलीज किया गया था और इस गेम का टाइटल भी धूम के नाम पर ही रखा गया था। वैसे इस गेम को इतनी ज्यादा सक्सेस मिली थी कि गेम मेकर्स ने इस गेम का दूसरा वर्जन लॉन्च करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। अब फिलहाल तो धूम फ्रेंचाइजी के नाम सिर्फ दो ही गेम हुए हैं, लेकिन जबकि अब धूम 4 भी जल्द ही आने को तैयार है, तो हो सकता है कि गेम मेकर्स इस फिल्म से इंस्पायर होकर कोई और गेम भी बना दें। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब धूम 4 की सक्सेस धूम 3 के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो। अब धूम 4 की कामयाबी कैसी होती है या इस फिल्म पर कोई गेम बनता है या नहीं, वो जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे बात करें तो धूम फ्रेंचाइजी में अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें से तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि इस बार कहा जा रहा है कि धूम 4 में अभिषेक बच्चन को लिया जाए, हालांकि अभी तक इस बात को मेकर्स ने पूरी तरह से अनाउंस नहीं किया है। वैसे अगर ऐसा सच है तो धूम फ्रेंचाइजी का कॉमन पॉइंट यानी कि अभिषेक बच्चन का धूम की हर सीक्वल में शामिल होने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये तो थी अभिषेक बच्चन की बात, लेकिन वही बात की जाए इस फिल्म के विलन की, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शाहरुख खान या सलमान खान में से कोई एक फिल्म में इस रोल के लिए चुना जाए। हालांकि इन दोनों में सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि शाहरुख खान को ये मौका मिले। तो दोस्तों आप बताएं कि आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा। कौन संभालेगा डायरेक्शन का काम? कौन होगा फिल्म का डायरेक्टर? क्या किसी नए डायरेक्टर को मिल सकती है फिल्म? क्या डायरेक्टर ही लिख रहे हैं धूम 4 की कहानी भी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धूम फ्रेंचाइजी में जल्द ही चौथा सीक्वल जुड़ने वाला है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर की, तो आपको याद होगा ही कि धूम एंड धूम 2 को डायरेक्ट किया था संजय गाधवी ने, लेकिन जब इस फिल्म का तीसरा पार्ट आया तब फिल्म के डायरेक्टर को बदल दिया गया और फिर एंट्री हुई डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य की, जिन्होंने आमिर खान के साथ धूम 3 बनाई। वही लगता है कि डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य के काम को लोगों ने खूब पसंद किया होगा, इसी कारण उन्हें धूम 4 को भी डायरेक्ट करने का मौका मिला है। इसके अलावा इन्हें धूम 4 मिलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स धूम फ्रेंचाइजी में कई पार्ट्स जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो। फ्रेंचाइजी के हर दो पार्ट के लिए एक ही डायरेक्टर चुना जाएगा और उनके हिस्से के दो पार्ट खत्म होते ही अगले सीक्वल के लिए नए डायरेक्टर की एंट्री होगी। अब ऐसा है या नहीं ये धूम 5 के आने पर पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि धूम 4 की कहानी को भी डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट को पूरा होने के अभी थोड़ा और वक्त लगने वाला है, इसलिए आपको फिल्म का इंतजार करना होगा। आगे बात करें तो धूम फ्रेंचाइजी में अब तक 3 फिल्में बन चुकी है, जिसमें से तीनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि इस बार कहा जा रहा है कि धूम 4 में अभिषेक बच्चन को लिया जाएगा, हालांकि अभी तक इस बात को मेकर्स की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है। वैसे अगर ऐसा सच होता है तो धूम फ्रेंचाइजी का कॉमन पॉइंट यानी कि अभिषेक बच्चन का धूम की हर सीक्वल में शामिल होने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बाकी तो आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य अपनी इस फिल्म के स्टार कास्ट। मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूं उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसने 2 चोरियों में 2,000 करोड़ लूट लिया है। ये चोरियां क्यों और कैसे कर रहा है, इन सब के बारे में हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। क्या हॉलीवुड का फैन बेस स्ट्रॉन्ग है? क्या जॉनर है इस फिल्म का? जैसे कि हम सबको पता है धूम 4 के रिलीज होने की बात काफी ज्यादा चर्चे में है। इस फिल्म का प्रोडक्शन जल्द ही 2022 में शुरू हो जाएगा एंड हमें ये थिएटर्स में दिखेगी मोस्टली 2023 में।
इस फिल्म में हमें स्टार करते हुए दिखेंगे अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा। और हाँ, शायद से इस फिल्म में ऋतिक रोशन की भी री एंट्री होने वाली है एंड स्टोरी इस फिल्म की वही सिमिलर होगी जो हर धूम की फ्रेंचाइजी में होती है। और ये भी बता दे आपको कि ये धूम की तीनों फिल्म में काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड ये धूम 4 भी काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म धूम 4 के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धूम की हर फ्रेंचाइजी का बेसिक स्टोरी लाइन एक हाइस्ट पे डिपेंड करता है, पर उसकी बैक स्टोरी चेंज कर दी जाती है एंड जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान ने ये रोल बखूबी निभाया है एंड फैंस को खुश किया है। अब बता दें आपको कि 2023 में एक और सिमिलर मूवी रिलीज होने वाली है, बट वो हॉलीवुड में है और वो भी काफी फेमस फ्रेंचाइजी है, जस्ट लाइक धूम, जो है फास्ट एंड फ्यूरियस। 2023 में इस फ्रेंचाइजी का 10th पार्ट रिलीज होने वाला है। रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इस फिल्म का स्टोरी बेस वही धूम जैसा है, यानी कि हाइस्ट एक्शन थ्रिलर जॉनर पे बेस्ड है ये फिल्म। ये दोनों फिल्म साथ ही रिलीज होने वाली है एंड इस फिल्म में भी धूम की फ्रेंचाइजी जैसे कैरेक्टर सेम ही रहने वाले हैं। ये फिल्म वर्ल्ड वाइज रिलीज होने वाली है एंड इंडिया में भी इस फिल्म का फैन बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड दूसरी तरफ है धूम का फैन बेस। अब देखना ये है कि ये दोनों फिल्म क्लैश करेगी तो कौन सी फिल्म ज्यादा हिट होगी। बात काफी ज्यादा चर्चे में है जिसमें स्टार करने वाले हैं अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा और शायद फिल्म में ऋतिक रोशन की भी री एंट्री हो सकती है। ये फिल्म बहुत धमाकेदार एंड जबरदस्त होने वाली है। इस फिल्म का प्रोडक्शन अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगा 2022 में। ये फिल्म डायरेक्ट की जाएगी विजय कृष्णा आचार्य द्वारा। इन्होंने धूम की फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में डायरेक्ट की है। स्टोरी लाइन इस फिल्म का वही सिमिलर होने वाला है जैसे कि हमने पहले कहा। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म धूम 4 के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे विजय कृष्ण आचार्य ने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वैसे ही इस धूम फ्रेंचाइजी के हर एक सॉन्ग प्रीतम ने ही कंपोज किए हैं और हम ये गेस कर सकते हैं कि ये धूम के नेक्स्ट पार्ट में भी प्रीतम ही सॉन्ग्स कंपोज करने वाले हैं। इस फिल्म फ्रेंचाइजी के सभी सॉन्ग्स बहुत ज्यादा हिट है और जाहिर सी बात है कि धूम 4 के सॉन्ग्स भी प्रीतम ही कंपोज करेंगे एंड ये भी हिट होंगे। प्रीतम ने कई सारी ब्रांड्स के लिए जिंगल्स बनाए हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स, इमामी, थम्स अप, लिम्का। धूम प्रीतम की सेकंड म्यूजिक कंपोज की हुई फिल्म थी और जबरदस्त हिट हुआ था धूम का साउंड ट्रैक। डी टाइटल ट्रैक सुनिधि चौहान ने गाया था एंड इस गाने का इंग्लिश वर्जन भी है। फिल्म के सारे सॉन्ग इतने हिट हुए थे कि यूके यूएसए के पब्स में भी काफी ज्यादा बजते थे। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड प्राउड मोमेंट था प्रीतम के लिए। और भी कई सारे सॉन्ग्स हैं प्रीतम के जिन्हें आज भी लोग सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। प्रीतम का एक अलग अंदाज है सॉन्ग्स कंपोज करने का। उन्होंने रॉक, सूफी, गजल हर तरह के सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, बट उनका म्यूजिक स्टाइल कैरेक्टराइज होता है डेलिकेट फ्यूजन क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ कंटेम्प्रेरी टोन्स में करता है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बर्फी, लाइफ इन अ मेट्रो में प्रीतम के ये स्टाइल एंड पैटर्न के सॉन्ग्स। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। दो चोरी, चोर दोनों बार हिंदी में लिखी गया। प्लीज घबरा मत, शादी के लिए नहीं मांगा।
किरदार निभाएगी दीपिका इस फिल्म में, कैसी होगी अक्षय और दीपिका की जोड़ी इतने सालों के बाद। तो दोस्तों, बॉलीगा स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म धूम 4 के कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अक्षय कुमार एंड दीपिका दोनों ने पहले भी साथ में काम किया हुआ है, जैसे कि चांदनी चौक टू चाइना, हाउसफुल, जिसमें दीपिका पादुकोण अक्षय के साथ अपोजिट रोल प्ले कर रही थी। काफी हिट हुई थी ये दोनों फिल्म्स, फनी थी और एक्शन भी काफी जबरदस्त था इन दोनों फिल्म्स का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस धूम की फ्रेंचाइजी फिर से एक नया सीक्वल लेके आ रही है, जो है धूम 4। इस फिल्म का प्रोडक्शन अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, बट अभी 2022 में चालू होने की बात काफी ज्यादा चर्चे में है। ये फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में दिखाई देंगे और वही इस बार की विलन बॉलीवुड की क्वीन भी दीपिका पादुकोण होने वाली है, और शायद ऋतिक रोशन को भी स्टार करने वाले हैं इस फिल्म में। अभिषेक बच्चन और उदय की भी जोड़ी फिर से देखने मिलने वाली है हमें। ये फिल्म विजय कृष्णा आचार्य द्वारा निर्देशित की जाएगी। अक्षय को इस फिल्म इंडस्ट्री में आके 3 अरसे से ज्यादा हो गया है, और वही दीपिका ने 2006 में अपना करियर शुरू किया, वो भी एक कन्नड़ फिल्म से जिसका नाम है ऐश्वर्या। अक्षय कुमार का किरदार काफी जबरदस्त और काफी सिंपल बताया गया था, और हाँ, कॉमेडी एक्शन तो होना ही था। फैंस काफी ज्यादा एक्साइट हुए हैं ये सब देख के, और यही रीजन के कारण फैंस अब दीपिका और अक्षय को साथ देखने के लिए फिर से एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म के निर्देशक का कहना है कि इस बार फिल्म में खिलाड़ी टच दिया जाएगा। शायद इस बार दीपिका हमें सिंपल रोमांटिक किरदार निभाते हुए नहीं दिखेगी, वो हमें दिखने वाली है विलन के रूप में, और अभिषेक एंड उदय हमें फिर एज अ पुलिस पार्टनर के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे आपको इस फिल्म से रिलेटेड, तो अब और क्या क्या धमाका होगा इस फिल्म में, ये जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीगा स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, एंड हाँ, अक्षय इस फिल्म में, किस फिल्म से अक्षय को खिलाड़ी का टैग मिला। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कई सारे जॉनर वाली फिल्म्स की है एंड कई सारे डिफरेंट रोल्स भी निभाए हैं। अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म सौगन थी, और ये खिलाड़ी कुमार 1992 की खिलाड़ी फिल्म से काफी ज्यादा फेमस हो गए है, और उसके बाद खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, और अब हमें अक्षय कुमार अपने खिलाड़ी स्टंट्स के साथ इम्प्रेस करते हुए धूम 4 में दिखने वाले हैं। धूम की फ्रेंचाइजी काफी फेमस रह चुकी है इतने सालों में, और हर बार कुछ अलग धमाका देखने मिलता है। इस बार की धूम 4 में भी जबरदस्त एक्शन देने का दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बॉलीगा स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म धूम 4 के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अक्षय की हर एक खिलाड़ी वाली मूवी बहुत ही जबरदस्त थी एंड काफी ज्यादा हिट सिक्वेंस थी। अक्षय कुमार मेनली हमें कॉमेडी एक्शन फिल्म्स में दिखाई देते हैं, एंड उनका एक डिफरेंट पैटर्न है मूवीज करने का, वो है वो ट्रू स्टोरी या पेट्रियोटिक या फिर टेररिज्म वाली मूवीज ज्यादा करते हैं, जैसे हॉलीडे, बेबी, बेल बॉटम और सूर्यवंशी, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। एंड अक्षय कुमार को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड ही रहते हैं हमेशा। उनकी हर एक फिल्म में एक सोशल मैसेज तो जुड़ा हुआ रहता ही है, चाहे वो एक्शन हो या कॉमेडी हो या टेररिज्म वाली फिल्म हो। इस फिल्म में अक्षय कुमार शायद थोड़ा डिफरेंट रोल निभाते हुए दिखेंगे हमें। हर बार की धूम की सीरीज में एक बेसिक प्लॉट यही है कि लीड एक्टर एक चोर के रूप में बताया जाता है, एंड अभिषेक एंड उदय की जोड़ी जो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में बताई जाती है, तो इस बार हमें अक्षय कुमार भी यही चोर का किरदार निभाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि धूम सीरीज का ये एक पैटर्न रह चुका है इतने सालों से। फैंस को इस बार अक्षय का नया रोल दिखने मिलेगा, क्योंकि जो हर मूवीज में रोल निभाते हैं उसका एकदम अपोजिट रोल होने वाला है इस फिल्म में। बट सबको भरोसा है कि अक्षय ये रोल बखूबी से निभाएंगे, और क्या क्या सरप्राइजेस रहेंगे और क्या क्या होने वाला है इस फिल्म में, और अक्षय का रोल कैसा होगा ये।
इस फिल्म में एंट्री। क्या कहानी होगी इस फिल्म की। अक्षय कुमार को पूरे बॉलीवुड में मोस्ट बैंकेबल एक्टर के नाम से जाना जाता है। यशराज फिल्म्स की सुपरहिट फ्रेंचाइजी धूम 4 जो एक इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार का लीड रोल में होने की बात काफी ज्यादा चर्चे में थी। एक स्टेटमेंट जारी हुआ था जहां वायरफ ने कहा कि धूम 4 में शायद से खिलाड़ी टच लिया जा सकता है। तो दोस्तों बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग फिल्म धूम 4 के बारे में। इस फिल्म के लिए उनको अभी तक अप्रोच नहीं किया है। क्या इस बार अभिषेक और उदय चोपड़ा की जोड़ी नहीं देखने मिलेगी। एक और रूमर ये है कि इस मूवी को हॉलीवुड लेवल तक लेके जाने की चर्चा चल रही है। मूवी का प्रोडक्शन तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है पर ये फिल्म की रिलीज डेट हम 2022 या 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बता दें फिल्म मेकर्स ये फिल्म जल्दी ही शुरू कर देंगे। ये फिल्म विजय कृष्ण आचार्य द्वारा निर्देशित की जाएगी एंड आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित की जाएगी। आदित्य चोपड़ा का कहना है कि ये फिल्म युद्ध पे फोकस करेगी और बहुत दमदार एक्शन भी रहेंगे इस बार इस फिल्म में। अब देखना ये है कि क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं इस बार इस फिल्म में। क्या स्टोरी होगी इस फिल्म की और कौन कौन स्टार करने वाला है ये जानने के लिए आप देखते रहिए। धूम 4 में आने के लिए स्टार में भिड़े कौन से एक्टर्स। धूम 4 में इस बार कौन पकड़ा जाएगा चोरी करते वक्त। जानिए फिल्म में कौन कौन से खतरनाक इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे। नमस्कार दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए धूम का फोर्थ सीक्वल यानी धूम 4 से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स। और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। धूम बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। सीक्वल के बाद हमने नए एक्टर्स को लीड में शामिल होते देखा है जिनसे फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है कि धूम 4 में इस बार कौन दिखेगा। ऐसी चर्चा थी कि फिल्म के मेकर्स द्वारा बहुत सारे एक्टर्स से संपर्क किया गया जिनमें से कुछ रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहरुख खान और यहाँ तक कि सलमान खान का भी नाम शामिल है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि यशराज फिल्म्स की धूम फ्रेंचाइज को आगे ले जाने के लिए खिलाड़ी अक्षय कुमार को अंतिम रूप दिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड एनालिस्ट अतुल मोहन को इंडस्ट्री के एक इंसाइडर ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर उन्होंने लिखा, एक हाई पोजीशन रिपोर्टर ने खुलासा किया है कि धूम 4 के लिए अक्षय कुमार की पुष्टि हो गई है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि कभी शाहरुख सलमान तो कभी अक्षय और ऋतिक का नाम सुनने में आ रहा है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि कौन से एक्टर मारते हैं बाजी धूम जैसे शानदार फिल्म के सीक्वल में। और हमेशा की तरह फिल्म में इस बार चोरी कौन करेगा, चोर पुलिस का किरदार भी किसे अलॉट होगा ये भी आपको जल्द सुनने को मिलेगा हमारे अगले वीडियो में। भारत में असल में किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो वो है बॉलीवुड मूवी धूम। धूम के सभी सीक्वल में जिसने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया तो वो है फिल्म्स में यूज हुए बाइक्स जो करीब 50 लाख के ऊपर सभी गाड़ियां थी। अब आने वाली सीक्वल में भी कौन सा नया ब्रांड देखने को मिलेगा फैंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है खासकर आजकल के यूथ्स। और भी साइन अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता। जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूं उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसने 2 चोरियों में 2000 करोड़ लूट लिया है। ये चोरियां क्यों और कैसे कर रहा है इन सब के बारे में हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। धूम 4 कब आने की उम्मीद है? क्यों सलमान और अक्षय का नाम आ रहा है सामने? क्या रिपीट किया जाएगा किरदारों को? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की फ्रेश न्यू वीडियो में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। बॉलीवुड की गर्मा गर्म न्यूज आपके लिए तैयार है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। बॉलीवुड के अंदर सबसे सफल और पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइज की बात करें तो उसमें धूम का नाम जरूर लिया जाएगा। इस फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है
बता दें कि शुरू की दो फिल्में बेहद पसंद की गई थी, जबकि तीसरे पार्ट को ओके ओके टाइप रिस्पॉन्स मिला था। अब फैंस काफी समय से इसके चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी तक इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले यशराज ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। मगर सोशल मीडिया पर अब कुछ अलग ये बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि धूम 4 के लिए अक्षय कुमार और सलमान खान का नाम फाइनल किया जा चुका है। इन ट्वीट को देखकर अक्षय और सलमान के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि इस मामले पर अभी तक अक्षय कुमार, सलमान खान या यशराज के मालिक आदित्य चोपड़ा की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया। दोस्तों धूम के पहले पार्ट में जॉन अब्राहम, दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और तीसरे में आमिर खान ने विलेन का मेन किरदार निभाया था। इन तीनों ही फिल्मों में ACP जय और अली के किरदार में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा की भूमिकाएं कॉमन थी। अब देखना होगा कि इस फ्रेंचाइज के चौथे पार्ट में इन पुराने किरदारों को रिपीट किया जाता है या बिल्कुल ही नए किरदारों के साथ कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम इतना तो आपको बता दें कि हमेशा की तरह धूम 4 में चोरी की प्रथा को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इस बार चोर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो होंगे। जी हाँ, और वो तो कौन होंगे इतना तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। साथ ही अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म अंतिम का पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है। अब जल्दी ही सलमान खान अंतिम द फाइनल ट्रुथ में नजर आएंगे। इसके अलावा जल्द ही वो अपनी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा खबर है कि सलमान खान तेलुगु सुपरहिट फिल्म खिलाड़ी की हिंदी रीमेक में भी नजर आ सकते हैं। अक्षय कुमार की बात करें तो उनकी कई फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है, जिनमें अतरंगी रे, पृथ्वीराज और सूर्यवंशी भी शामिल है। इसके अलावा वो रक्षाबंधन और राम सेतु में भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सलमान और अक्षय के फिल्मों के लिए कितना एक्साइटेड है आप हमें नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो आखिर क्या है D4 और D5 का राज, क्या डॉन से रिलेटेड होगी धूम 4 की स्टोरी और आने वाले इंस्टॉलमेंट में क्यों किया जाएगा दोनों खान्स को रिलेट। दोस्तों, धूम 3 ने पूरे जोश के साथ शुरुआत की थी और 2013 की सबसे सुपरहिट सीक्वल साबित हुई थी। इस तरह की एक अमेजिंग स्टोरी लाइन, रॉ हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स, पिक्चर परफेक्ट बायोग्राफी और दोस्तों एक ब्रिलियंट राइटिंग के साथ ये अब तक बनाए गए सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बना दी गई थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2003 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म धूम की थर्ड इंस्टॉलमेंट धूम 3 के बाद की आने वाली फोर्थ इंस्टॉलमेंट यानी कि धूम 4 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। इस बीच जैसे कि अफवाहों का कहना था कि धूम 3 इंस्टॉलमेंट का लास्ट सीक्वल था, कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज हैं जो कहती हैं कि D4 और D5 के रूप में दो और सीक्वल होंगे। सभी जानते हैं कि बॉलीवुड पर जिन तीन खानों का राज है वो हैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। इसलिए जैसे ही आमिर ने धूम इंस्टॉलमेंट में कदम रखा, इस इंस्टॉलमेंट के अन्य दो खान में से एक किसी एक या दोनों का एक फ्रेंचाइज में कदम रखते ही है। अगर शाहरुख धूम 4 करते हैं तो सलमान धूम 5 या सेम इंस्टॉलमेंट में ही ऑपोजिट रोल में या फिर स्टोरी का एंड करेंगे। खैर दोस्तों, उन्होंने एक्शन में देखा रियलिटी में रोमांचक होगा। फिलहाल हो सकता है कि दोस्तों ये अफवाहें हों, देखते हैं आगे क्या होता है। धूम फ्रेंचाइज की चौथी इंस्टॉलमेंट को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और दोस्तों पिछली तीनों किश्तें एक बड़ी प्लांट चोरी और चोरों के साथ आगे बढ़ी। जॉन अब्राहम और उनकी बाइक, ऋतिक रोशन उनका गेटअप और आमिर खान की जुड़वा स्ट्रैटेजी, हर बार फिल्मों ने हमें आश्चर्य का एलिमेंट प्रोवाइड किया और अब ऐसा लग रहा है कि इस बार शाहरुख खान एक बड़े बुरे खलनायक की भूमिका निभाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान फ्रेंचाइज की चौथी किश्त में इस खलनायक की भूमिका निभाने के लिए आएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि रणवीर सिंह भी पुलिस वाले जय दीक्षित के रोल को जस्टिफाई करते नजर आएंगे, जिसे शुरू में अभिनेता अभिषेक बच्चन ने निभाया था। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान पठान की शूटिंग पूरी करने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सलमान खान फिल्म में लीड रोल निभाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि अभिनेता ने इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वो विलन की भूमिका नहीं निभाना चाहते। अली के किरदार के लिए कास्टिंग जो शुरू में अभिनेता उदय चोपड़ा द्वारा निभाई गई थी अभी भी चल रही है।
रिपोर्ट्स ने ये भी सुझाव दिया है कि फिल्म में शाहरुख का कैरेक्टर एक अंडरवर्ल्ड डॉन की तर्ज पर होगा। और दोस्तों ये देखते हुए कि शाहरुख ने डॉन और डॉन 2 जैसी फिल्मों में सेम रोल किया है और उनके लिए जूते में कदम रखना मुश्किल नहीं होगा। इस खबर ने निश्चित रूप से फिल्म की रिलीज के लिए हमारी उम्मीदों को बढ़ा दिया है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आने वाले इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज के अगले इंस्टॉलमेंट में नए चेहरे देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम फिर हाजिर होंगे। मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूँ उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसने 2 चोरियों में 2000 करोड़ लूट लिया है। ये चोरियां क्यों और कैसे कर रहा है इन सब के बारे में हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। We should be ashamed of ourselves. क्या रीजन बन सकता है धूम 4 की सक्सेस का? धूम 1 मूवी लेकर आई थी कौन सा नया कॉन्सेप्ट 2004 में? धूम 3 ने किस वजह से गेन की थी माइंड ब्लोइंग सक्सेस? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों कई सारी मूवी फ्रेंचाइजी ऐसी होती हैं जो सालों दर साल एक ही कॉन्सेप्ट एंड एक ही जोनर पर फिल्में बनाती रहती हैं। बस जो चीज बदल जाती है वो होती है मूवी स्क्रिप्ट। पर सोचने वाली बात ये है कि ऐसी फिल्में इतने सालों तक बड़े पर्दे पर टिक कैसे जाती हैं एंड क्यों लोग अभी भी इसे देखना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है इंटरेस्ट। हर कोई मूवी या मूवी फ्रेंचाइज इतने सालों तक अपना इंटरेस्ट ऑडियंस में नहीं बना पाती। इसके लिए एक कीन आई चाहिए होती है स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन के लिए। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाले हैं जिसे ऑडियंस अभी भी देखना काफी पसंद करते हैं एंड इस फ्रेंचाइजी के नेक्स्ट पार्ट के लिए काफी उत्साहित भी हैं। तो जिस मूवी फ्रेंचाइजी की यहाँ बात हो रही है वो है धूम फ्रेंचाइजी। धूम फ्रेंचाइजी हमेशा से ही अपनी रॉबरी एंड कॉप की स्टोरीज बनाने के लिए फेमस है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि धूम का मच अवेटेड पार्ट 4 भी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, जिसमें अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा दोबारा से कॉप की भूमिका में दिखेंगे। तो अब बिलियन डॉलर का सवाल ये उठा है कि आखिर क्यों धूम फ्रेंचाइजी का ये रॉबरी कॉन्सेप्ट मार्केट में इतना चल जाता है और ऑडियंस को इतना पसंद भी आता है। धूम फ्रेंचाइजी ने अपनी पहचान इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाई ही थी इस रॉबरी टाइप कॉन्सेप्ट से। जब 2004 में धूम का पहला पार्ट रिलीज हुआ था तब सबको ये बात पता होगी कि तब ऐसी मूवी शायद से ही बनती थी और जिसमें खूब सारा थ्रिलर हो, एक्शन हो, ऐसी मूवीज उस दौरान कम आती थी। 2004 में रोमांटिक मूवीज ज्यादा टीवी पर देखने को मिलती थी और सिनेमा घरों में भी ऐसी ही फिल्में हमें देखने को मिलती थी और ऐसे कॉन्सेप्ट वाली मूवीज अब धीरे धीरे ऑडियंस को बोरिंग लगने लगी थी। इसीलिए जैसे ही धूम के पार्ट 1 ने मार्केट में दस्तक दी, लोगों का सारा ध्यान उस पार्ट पर चला गया और धूम फिल्म काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। धूम 2 की स्पेशलिटी थी उसकी स्टोरी। ऐसी स्टोरी शायद ही किसी फिल्म में हमें देखने को मिली थी और शायद इसी वजह से लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी हमें बड़े पर्दे पर कुछ हटके कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर हम उस फिल्म से नॉर्मली अटैच हो जाते हैं और वैसा ही कुछ धूम फ्रेंचाइजी के साथ भी हुआ था। दूसरी तरफ धूम की टीम ने हमेशा से ही लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचा है। उन्होंने हमेशा ऑडियंस के लिए एक फ्रेश कॉन्सेप्ट पेश किया। इसी वजह से धूम 1 एंड धूम 2 में कोई भी लिंक नहीं रखा गया था और यही सबसे बड़ा कारण बनी थी धूम फ्रेंचाइजी के हिट होने की। फिर 2013 में दस्तक दी धूम 3 ने एंड अब ये समस्या उठ गई थी कि धूम फ्रेंचाइजी जैसे कई मूवीज पहले ही बॉलीवुड में आ गई थी 2013 से पहले, तो ऐसी मूवीज में अब दर्शक क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो यहाँ तारीफ करी जा सकती है मूवी के मेकर्स की, जिन्होंने अपने रॉबरी के बेस कॉन्सेप्ट को भूला नहीं,
फॉरेन रॉबरीज के स्टाइल से उस मूवी को जोड़ दिया। आखिर इंडिया में सभी हॉलीवुड मूवीज के दीवाने हैं एंड धूम 3 के मेकर्स ने इसी चीज में दिमाग लगाया। फिर क्या था दोस्तों, लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि धूम 3 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई और अब दर्शकों को इंतजार है इसके फोर्थ पार्ट यानी धूम 4 का। तो आप सभी कितने ज़्यादा उत्साहित हैं धूम 4 के लिए हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो अफवाह फैल रही है, क्या हो सकती है धूम 4 की शूटिंग लोकेशन, क्या ये फिल्म भी किसी हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए धूम का फोर्थ सीक्वल यानी धूम 4 से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पे होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो पे। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो धूम सीरीज के बारे में ना जानता हो, जिस फिल्म ने अपने धमाकेदार एक्शन सीन से सबका दिल जीत लिया था। 2013 में धूम 3 की इतनी बड़ी सफलता के बाद दर्शकों को काफी बेसब्री से फ्रेंचाइज के चौथे सीक्वल का इंतजार है। 2016 तक धूम भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइज के लिए दूसरे स्थान पर है। धूम 4 चर्चा में बनी हुई है, हालांकि अभी तक खुद फ्रेंचाइज के मेकर्स द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हमेशा की तरह इसकी कहानी आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखी गई है और उनके द्वारा ही डायरेक्ट की जाएगी और विजय कृष्ण आचार्य द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ी हैं, हालांकि फ्रेंचाइज के एक्टर और मेकर्स ने चर्चा के बारे में चुप रहने का फैसला किया है क्योंकि वे फैंस के सरप्राइज को मारना नहीं चाहते हैं। फिल्म मेकर्स ने अभी तक एक ही बयान दिया है कि वह सही स्क्रिप्ट की तलाश में हैं और डिफरेंट एंगल से कहानी के साथ काम करना चाहते हैं। इंडिया टाइम्स के अनुसार अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने मेकर्स द्वारा उनके संपर्क नहीं किए जाने का बयान दिया है, इसीलिए फोर्थ सीरीज में अभी उदय जोड़ी के कट जाने की बहुत अधिक संभावना है जो धूम सीरीज के फैंस के लिए काफी निराशाजनक है। एक और अफवाह यह है कि डायरेक्टर फिल्म को हॉलीवुड के स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट भरे पड़े थे कि धूम सीरीज के फोर्थ सीक्वल में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अक्षय कुमार को चुना गया है। यह देखते हुए कि आमिर खान, ऋतिक रोशन और जॉन इब्राहिम जैसे बड़े नाम पिछली धूम फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, फैंस को यह विश्वास कराना मुश्किल नहीं था कि अक्षय अगले धूम हीरो हो सकते हैं। वहीं धूम 3 की स्क्रिप्ट कॉपी की गई है, ये खबर भी काफी फैली थी। लेखक मंसूब हैदर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि धूम 3 उनकी स्क्रिप्ट से कॉपी की गई थी। वहीं फिल्म के खूबसूरत बैकग्राउंड लोकेशन तो आपको जरूर पसंद आया होगा। धूम 3 शिकागो में शूट किया गया था तो उसके पहले पार्ट की शूटिंग साउथ अफ्रीका और ब्राजील में की गई थी। सो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं धूम 4 देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी नए अपकमिंग मूवीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज सिर्फ उन टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। कहाँ हो रही है धूम 4 की शूटिंग, किस मूवी को इंडिया में शूट किया जाएगा, किस वजह से धूम 4 मूवी विलन का फेस नहीं किया गया रिवील।
दोस्तों कई फिल्में सिर्फ अपनी ऑन द सेट शूटिंग ही नहीं बल्कि अपनी आउटडोर थ्रू आउट द कंट्री शूटिंग के लिए भी जानी जाती है। लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि VFX एंड ग्रीन स्क्रीन यूज करने के बजाय वो एक्चुअल में जब फॉरेन में शूटिंग करते हैं मूवी को एक रियलिस्टिक और सुंदर टच देने के लिए। तो आज हम आप सबको एक ऐसी ही अपकमिंग मूवी के सेट एंड उससे जुड़े कई नए फैक्ट्स बताने जा रहे हैं एंड सच्ची ये खबर आपके चेहरों पर एक मुस्कान लेकर आ जाएगी। तो हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो है द अपकमिंग धमाकेदार मूवी धूम 4। हाँ, आप सबने सही सुना कि धूम 4 की मार्केटिंग प्रोसेस में है एंड ये जल्दी सिनेमा घरों को हिट करेगी। धूम 4 को डायरेक्ट करेंगे संजय गढ़वी एंड इसमें स्टार करते दिखने वाले हैं अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा। मूवी में विलन कौन है ये अभी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। धूम 4 को प्रोड्यूस किया जाएगा आदित्य चोपड़ा के द्वारा एंड ये बात तो ऑलरेडी क्लियर है कि धूम फ्रेंचाइजी के क्रेज के चलते धूम मूवी जरूर हिट होने वाली है। धूम 4 मूवी के अगर सेट एंड शूट की बात करें तो इस मूवी को लेकर ये मेजोरली प्लान किया गया जा रहा है कि इसी मोस्ट ऑफ द शूटिंग फॉरेन कंट्रीज में की जाए। धूम 4 को इंडिया में कम ही शूट किया जाएगा। धूम 4 को फॉरेन में शूट करने के कई सारे रीजन सामने आ रहे हैं। लाइक धूम 4 में जो स्टोरी है वो एक इंटरनेशनल विलन या फिर एक इंटरनेशनल रॉबरी की हो सकती है, इसके चलते ज्यादा से ज्यादा सीन्स फॉरेन में ही शूट करने पड़ेंगे। मूवी में कई सीक्रेट पुलिस एजेंसीज का भी साथ में कोलैबोरेशन शो किया जाएगा। वैसे तो धूम 4 की बेसिक शूटिंग इंडिया में ही स्टार्ट हो सकती है लेकिन इस मूवी को ओरिजिनल बनाने में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जितना ज्यादा VFX एंड ग्रीन स्क्रीनिंग का यूज होता है फैंस उसे उतना ही अनरियलिस्टिक एंड खराब मानते हैं। आखिर मूवी में नेसेसरी विजुअल्स का होना भी जरूरी होता है ना। मूवी में अभी भी कितने विलन्स होने वाले हैं ये कंफर्म होकर सामने नहीं आया है। इस चीज का भी रिवीलेशन नहीं किया जा रहा ताकि फैंस के अंदर इस मूवी को लेकर सस्पेंस बना रहे एंड कसम से लोगों को इस चीज को लेकर सस्पेंस एक्चुअली बना हुआ है। विलन है तो कौन है? तो फिलहाल अभी करते हैं इस मूवी की कोई नई ताजी अपडेट आने का वेट एंड अपने आप से करते रहते हैं इस मूवी की स्टोरी का। मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूं उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसने 2 चोरियों में 2000 करोड़ लूट लिया है। ये चोरियां क्यों और कैसे कर रहा है इन सब के बारे में हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। क्या दिखेगा कबीर फिर से धूम 4 में? क्या होगी साहू जैसी VFX यूज? क्या कोई नया फेस दिखेगा धूम 4 में? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। कुछ अलग ही क्रेज क्रिएट करा था यश राज की धूम सीरीज ने। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट ने बॉलीवुड में जॉन अब्राहम जैसे अभिनेता को जन्म दिया। जी, इससे पहले जॉन करते थे मौतें। इस फिल्म ने जॉन अब्राहम को बतौर एक्टर एस्टैब्लिश कर दिया था। इस फिल्म में जॉन अब्राहम लीड रोल में थे। इस फिल्म में जॉन के किरदार को काफी पसंद भी किया गया था। जॉन का धूम लुक बन गया था एक नया स्टाइल स्टेटमेंट। धूम में जॉन प्ले कर रहे थे कबीर के कैरेक्टर को जो अनअपोलोजेटिक था और कॉन्फिडेंट भी था। लोगों ने इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कबीर जैसे एक एंटी हीरो को पसंद किया। सिर्फ वही नहीं, कबीर के किरदार काफी ज्यादा उसूलों वाले भी थे। धूम के एंड में कबीर को पुलिस के हाथ लगने से अपनी जान दे देना अच्छा लगा। इसी स्ट्रेस को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। तो क्या कबीर का कैरेक्टर आएगा वापस धूम 4 में? दोस्तों, हम आपको बता दें कि धूम 4 की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, मगर ये खबर है कि वो अभी प्लानिंग पोजीशन में चल रही है। अगर धूम 4 फिल्म बनी तो लोग कबीर जैसा कैरेक्टर देखना जरूर पसंद करेंगे। तो शायद धूम 4 में कबीर के किरदार का एक रिप्राइज वर्जन हमें नजर आ सकता है। धूम 4 में इस बार हो सकता है VFX का यूज। प्रभास के साहू के रिलीज होने के बाद एक्शन फिल्म की एक नई स्टैंडर्ड सेट हो गई है। जी, तो साहू की तरह हम धूम 4 में भी देख सकते हैं एक्सटेंसिव VFX यूज। धूम 4 में कौन कौन है सूटेबल चॉइसेस, आइए जानते हैं। धूम एक एक्शन बेस्ड फ्रेंचाइज है तो इसलिए टाइगर श्रॉफ या विद्युत जम्वाल हो सकते हैं अच्छे चॉइसेस धूम 4 के लिए। पहले अक्षय कुमार और सलमान का भी नाम लिया जा रहा था इस फिल्म में, मगर अक्षय ने ये साफ कह दिया कि धूम 4 से नहीं जुड़े हैं और सलमान खान ने इस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है। बीच में प्रभास को भी सीन में लाया जा रहा था क्योंकि उनके बैक टू बैक हिट्स और एक्शन ब्लॉकबस्टर उन्हें धूम 4 के लिए एक उम्दा चॉइस बनाते जा रहे थे, मगर प्रभास अभी 4 से 5 बड़े बड़े टॉप पैन इंडियन प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं।
के चलते वो ये फिल्म नहीं कर पाएंगे। कन्नड़ स्टार यश भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं इस फिल्म के लिए। केजीएफ के सक्सेस के बाद यश को मिली है इंसेन पॉपुलैरिटी और धूम 4 जैसे एक सॉलिड आफ्टर एक्शन फ्रेंचाइज से जुड़ने पर वो हो सकते हैं और भी ज्यादा फेमस। कन्नड़ स्टार दलकीर सलमान भी हो सकते हैं एक अच्छी चॉइस। दलकीर एक हैंडसम स्मार्ट लुकिंग एक्टर है जो बेहतरीन एक्टिंग करते हैं और धूम 4 उनको ऑफर किया जा सकता है। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को एक फ्रेश फेस एक साथ साथ मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूँ उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उसने 2 चोरियों में 2000 करोड़ लूट लिया है। ये चोरियां क्यों और कैसे कर रहा है इन सब के बारे में हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। क्या धूम 4 में वाकई अक्षय कुमार होने वाले हैं? इस बात का खुलासा क्या अक्षय ने कर लिया है? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें और अक्षय किन किन फिल्मों से धमाल मचाने को तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों, अक्षय कुमार बॉलीवुड के व्यस्ततम एक्टर में से एक है। उनके पास फिलहाल 6 से 7 फिल्में हैं जिसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही कई फिल्में ऐसी भी है जिनके साथ उनका नाम समय समय पर जुड़ता ही रहता है। और अक्षय कुमार की जो सबसे बड़ी फिल्म है जिसके साथ उनका नाम जुड़ रहा है वो है धूम 4। वहीं अब आहान शेट्टी के साथ उनकी अगली फिल्म को लेकर भी चर्चाएं हैं। आहान शेट्टी के साथ फिल्म में जो कर रहे हैं अक्षय कुमार ने रिएक्ट किया उसके बाद पर, और साथ ही अक्षय ने धूम 4 के बारे में बात की है। अक्षय कुमार ने कहा है कि ये सब फेक है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी कि जो अक्की के फैंस हैं उनका दिल कहीं ना कहीं टूट जाएगा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो इस फिल्म में होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें धूम 4 से बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम जुड़ चुका है। कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण इसमें होने वाली है और साथ ही जो विलन होता है ना धूम सीरीज का, जो असली चोर होता है, वो इस बार कोई एक्ट्रेस होने वाली है और दीपिका के नाम ये फिल्म हो चुकी है। वैसे अभी इस पर भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वैसे अगर दीपिका इस फिल्म में होती है तो 4 चांद लग जाएंगे और काफी अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वहीं आपको बता दें अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की बात करें तो बेल बॉटम, सूर्यवंशी, रक्षाबंधन, राम सेतु, बच्चन पाटे, अतरंगी रे और पृथ्वीराज से धमाल मचाने को तैयार है। लॉकडाउन खुलते ही अक्षय कुमार ने फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग खत्म की। वहीं अब आनंद एल रॉय की रक्षाबंधन की शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने शूट शुरू कर दिया है और ये फिल्म वो अपनी बहन अलका को डेडिकेट करना चाहते हैं। वहीं पिछले दिनों जब अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू में बात की गई थी धूम 4 को लेकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये मौका उन्हें मिलता है तो वो खुशी खुशी से एक्सेप्ट करेंगे और इस फिल्म को करेंगे। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की लिस्ट से साफ है कि 2021 और 2022 तक वो पूरी तरीके से बुक्ड है। वैसे इसके अलावा अगर उन्हें और भी फिल्में मिलती हैं तो वो खुद कर लेंगे। कहते हैं ना कि अक्षय कुमार के साथ कभी ऐसा होगा कि उनकी फिल्मों का क्लैश उन्हीं से हो जाएगा। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि ये फिल्म वाली है। क्या धूम 4 अवेलेबल होने वाली है OTT पर? क्या धूम 4 की कमाई हो सकती है धूम 3 से ज्यादा? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शित अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। आज की इस जनरेशन में जहां हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड की हर मूवीज का कितना ज्यादा कंपटीशन है, फिर आप चाहे ले लीजिए उसकी सीक्वल्स बनाने से लेकर उसके एक्टर्स तक की, या फिर उसकी बॉलीवुड में वोट्स कितने आए तो, या फिर उसकी कमाई तक में बॉक्स ऑफिस की, इन सारी बातों को जानते हैं हमारे इस वीडियो के साथ। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए अगर आप जानना चाहते हैं कि धूम 4 की कैसे क्या रिलीज होने वाली है और वो कितनी कमाई कर सकती है।
वैसे आपको बता दे, धूम 4 के क्रेज को देखकर तो यही लगता है कि ये फिल्म काफी ज्यादा कमाई करने वाले हैं। धूम 4 के बारे में कई सारे अपडेट्स आई हैं, जैसे कि हमें आपको बता दे कि इस फिल्म में हमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा लीड रोल पे दिखने वाले हैं, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं संजय गादवी, और इस फिल्म में हमें दिखने वाले हैं और भी कई सारे एक्टर्स। हालांकि इस फिल्म के विलन का अभी तक कोई भी रोल स्पेसिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जल्द से जल्द बनने वाली है और उतनी ही जल्दी इसको रिलीज भी किए जाने की प्लानिंग चल रही है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा, और अब इस फिल्म की रिलीज की बात करें तो इस फिल्म को थिएटिकल रिलीज ही दे जाने वाला है, लेकिन ये बात साफ साफ मेंशन की गई है प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के द्वारा कि इस फिल्म को ओटीटी पर भी उतना ही रिलीज अच्छा दिया जाएगा जितना तक थिएटिकल रिलीज दिया जाएगा। आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ओटीटी पर सारे इंटरनेशनल फैन बेस भी इस फिल्म को देख सकते हैं, जहाँ पे हम ये जानते हैं कि धूम 4 का क्रेज काफी ज्यादा है और धूम की सारी फ्रेंचाइजीज काफी अच्छी रही हैं, तो वैसे में धूम 4 भी काफी अच्छा परफॉर्म करे ये सारे ही मेकर्स को लगता है। अब ऐसे में जब इतना बड़ा इंटरनेशनल फैन बेस बन चुका है और उस फैन बेस को लूप में रखने के लिए इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करना ही सबसे अच्छा होने वाला है एक तरीका। वैसे आपको बता दें, OTT आजकल की दुनिया में और आजकल की जनरेशन में इतना ज़्यादा फैल रहा है कि इस फिल्म को अगर हम दोनों में ही देखें तो दोनों जगह अच्छी कमाई कर सकती है। तो OTT पर रिलीज़ करने का सोल पर्पस इस फिल्म का यही रहेगा कि ये फिल्म दोनों ही जगह अच्छी कमाई कर सके। अगर हम फिल्म के बैकग्राउंड या धूम की फ्रेंचाइजीज को देखकर इस फिल्म का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी कमाई करेगी, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्टेड अमाउंट अगर हम आपको बताएं तो इस फिल्म का प्रेडिक्टेड अमाउंट की कमाई होने वाली है 550 करोड़, या उसके आसपास के अमाउंट तो हो ही सकते हैं, क्योंकि धूम 4 का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं जब से उन्हें पता चल रहा है कि धूम 4 आने वाली है। ऐसे में लोग काफ़ी वेट भी कर रहे हैं उस फिल्म का, और उस वेट को देखकर ये लगता ही है कि 500 के ऊपर भी जा सकती है इसकी कमाई। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड की आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो पाए। साथ ही साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपका प्रेडिक्टेड अमाउंट कितना है और OTT पर क्या इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। येस और नो में अपना जवाब देकर हमारे कमेंट सेक्शन। क्या है उदय चोपड़ा की डाइट फॉर द मूवी धूम 4? कहां की जाती है धूम फ्रेंचाइजी की मूवीज की शूटिंग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी कई सारी मूवीज आती हैं जो कि किसी भी एक्टर की रिकॉग्निशन और बेस मूवी बन जाती है। वे अपनी एक बड़ी पहचान को मूवीज की वजह से ही बना पाते हैं, और इन मूवीज को सक्सेसफुल करने के लिए वे अपनी तरफ से काफी एफर्ट्स डालते हैं। तो आज हम आपको नरेट करने जा रहे हैं ऐसे ही कई बॉलीवुड एक्टर्स के एफर्ट जो कि वे अपनी अपकमिंग मूवी में डाल रहे हैं। ये मूवी उन एक्टर्स की बेस मूवी है, और इसी वजह से वे इस मूवी को एक तरह से सक्सेसफुल और सुपर से भी ऊपर होता देखना चाहते हैं। तो जिस मूवी की यहाँ बात की जा रही है वो है अपकमिंग बॉलीवुड मूवी धूम 4। अगर धूम 4 के बारे में माइनर डिटेल्स दी जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे संजय गादवी, और इसमें स्टार करते दिखने वाले हैं अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा। मूवी में मेन विलन कौन है ये भी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। धूम 4 को प्रोड्यूस किया जाएगा आदित्य चोपड़ा के द्वारा। तो धूम 4 मूवी को लेकर अगर शेयर करें तो पहली बात सामने आती है एक्टर अभिषेक बच्चन की। अभिषेक ने बॉलीवुड में काफी टाइम से थोड़ा पॉज ले रखा है, और वो अपने मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी साइड एक्टिविटीज और अपनी फैमिलीज के साथ ही स्पेंड कर रहे हैं। वैसे तो अभिषेक कुछ एक्सट्रीम डाइट्स और वर्कआउट में विश्वास नहीं रखते हैं, बट वे हमेशा धूम की तैयारी और उसकी शूटिंग से पहले खुद को एक डाइट में जरूर पुट करते हैं ताकि मूवी के कमबैक तक वे बिल्कुल कॉप के रोल में फिट बैठ पाए। धूम को लेकर भी अभिषेक की यही प्लान है। अभिषेक हमेशा से ये बात शेयर करते आए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम धूम की शूटिंग फॉरेन में होती है, और इसी वजह से वे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन काम तो काम होता है और वे उसे जल्द ही से फिनिश करके अपनी फैमिली के पास आने की कोशिश करते हैं। उदय चोपड़ा भी कुछ ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उदय काफी फिट है और वे जिमिंग अच्छे से करने में बिलीव करते हैं। धूम में जो उनका अली का कैरेक्टर है उसके लिए उन्हें हमेशा से ही हैवी वर्कआउट करना पड़ता है। उदय ने एक बार ये बात भी शेयर की थी कि मूवी में परफेक्ट दिखने के लिए पास में उन्हें एक बार काफी एक्सट्रीम डाइट से गुजरना पड़ा था।
उदय वैसे तो रोज जिम जाते हैं लेकिन वहाँ ओनली एक सूटेबल टाइम के लिए ही वर्कआउट करते हैं। धूम 4 हमेशा से ही फॉरेन में शूट होती आई है, इसलिए कहा जा सकता है कि जब भी इस मूवी का कास्ट और क्रू इस मूवी की शूटिंग पर जाते हैं वहाँ पर उन्हें अपनी डेली रूटीन को एकदम से चेंज करना पड़ता होगा, जो कि एक दिक्कत की बात होती है। तो अभी फिलहाल धूम 4 को लेकर कई नई अपडेट्स पेंडिंग है जिन्हें जल्द ही आउट कर दिया जाएगा। तो इस फिल्म की रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म रहा सलमान खान का रिएक्शन धूम 4 को लेकर, क्या राज खोला है सार के धूम 4 को लेकर और अक्षय कुमार ने क्या चीजें बताई हैं जनता को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों ऐसी कई बॉलीवुड मूवीज हुई हैं जिनसे बाकी और बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। ये मूवीज ऑडियंस के साथ साथ इन सेलिब्रिटीज की भी लाइक लिस्ट में ऐड हो गई हैं, और वो भी क्यों ना, इन मूवीज में कोई ऐसा फ्लेवर होता है जो कि हमेशा सबको पसंद आता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही अपकमिंग एक्शन मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लेकर कई बॉलीवुड एक्टर्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और दोस्तों वो इस मूवी का जल्दी सिनेमाघरों में हिट करने का वेट कर रहे हैं। तो जिस मूवी की यहाँ बात करी जा रही है वो है मूवी धूम 4। दोस्तों मूवी धूम 4 के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताएं तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय, और दोस्तों इसमें स्टार दिखने वाले हैं अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा। मूवी में विलन कौन है ये अभी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, और दोस्तों धूम 4 को प्रोड्यूस किया जाएगा आदित्य चोपड़ा के द्वारा। इस मूवी को लेकर काफी हाइप ऑलरेडी बन गई है। तो इस मूवी को लेकर सबसे पहला रिएक्शन शाहरुख खान का आया है जहां पर उन्होंने अपना प्यार इस मूवी के प्रति व्यक्त किया है। जैसे कि दोस्तों ये अभी भी रिवील नहीं हुआ है कि धूम 4 में लीड विलन कौन रहेगा, इस पर शाहरुख खान ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस मूवी में मेन विलन बनने के लिए कब से रेडी हैं, अगर उन्हें मौका मिले तो एंड दोस्तों वो शूटिंग स्टार्ट कर देंगे एंड वो धूम में एक्टिंग करना एंड इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। धूम फ्रेंचाइज का क्रेज लोगों में काफी ज्यादा है और दोस्तों हर कोई एक्टर इस मूवी का पार्ट बनना चाहता है। सलमान खान भी इस मूवी के लिए रिएक्शन देते दिखे जहां पर उन्होंने कहा है कि वो भले ही इस मूवी का पार्ट हो या नहीं लेकिन दोस्तों वो इस मूवी को जरूर देखना जाएंगे और ये मूवी उनकी वन ऑफ द फेवरेट्स है, इसलिए इस मूवी के रिलीज को लेकर सलमान खान काफी एक्साइटेड है। धूम 4 मूवी में कितने विलन होंगे ये चीज कन्फर्म नहीं करी गई है, इसलिए दोस्तों इस मूवी के लूप में अक्षय कुमार भी हैं जिनको एक्चुअली मूवी में एज अ मेन विलन माना जा रहा है। अक्षय ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धूम 4 के नाम पर रिएक्ट करा है, ये हिंट भी हिट दिया है दोस्तों कि वो इस मूवी का पार्ट है। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भी काफी खुश नजर आए जब उन्हें धूम 4 का ऑफर आया था, क्योंकि ये मूवी उनकी बेस फिल्म में काउंट होती है, इसलिए इस मूवी का दोबारा आना उनको खुश करने वाली बात है। अभी भी दोस्तों धूम 4 की कास्ट से बड़ा सस्पेंस उठ रहा है दोस्तों, यानि इस मूवी की शूटिंग तभी स्टार्ट करी जाएगी तब पूरी कास्ट फाइनलाइज हो जाएगी। इस फिल्म की रिलीज मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूँ उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उसने 2 चोरियों में 2,000 करोड़ लूट लिया है। ये चोरियां क्यों और कैसे कर रहा है इन सब के बारे में हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। इंस्टॉलमेंट में होगी बिग बी की स्पेशल अपेंडिक्स। क्या अपनी शर्तों की वजह से निकल गई सलमान खान के हाथ से धूम फ्रेंचाइज? कौन करना चाहते हैं फिल्म के स्टार कास्ट में बदलाव? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2003 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म धूम की थर्ड इंस्टॉलमेंट धूम 3 के बाद की आने वाली फोर्थ इंस्टॉलमेंट धूम 4 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे।
धूम फ्रेंचाइजी बड़ी और बेहतर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अमिताभ बच्चन चौथी इंस्टॉलमेंट में यश राज फिल्म की हिट सीरीज में शामिल होने के लिए तैयार है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित इस फिल्म में सुपर हिट धूम 2 के बाद एक बार फिर अमिताभ, ऋतिक रोशन भी नजर आएंगे, क्योंकि इस बीच एक अन्य सोर्स द्वारा खबर आई है कि ऋतिक, आदि और विक्टर एक साथ वापस आ रहे। हालांकि वो फिल्म धूम 4 नहीं बल्कि एक और थ्रिलर हो सकती है। इसके अलावा बिग बी का इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के साथ साथ एक सॉन्ग में एंट्री भी दिखाई जा सकती है। वही अभिनेता अभिषेक बच्चन फिल्म में एसीपी जय दीक्षित की भूमिका को फिर से निभाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों बच्चन का बड़े पर्दे पर इतने सालों बाद आमना सामना ऑडियंस को कितना पसंद आने वाला है। फिल्म का निर्देशन धूम 3 के विजय कृष्ण और आचार्य ने करा हुआ। फिलहाल ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि विक्टर, विजय कृष्ण, आचार्य इसके साथ कहां जा रहे हैं। ये कंफर्म है लेकिन कि आदित्य चोपड़ा और विक्टर ने मिस्टर बच्चन और ऋतिक से संपर्क किया है और उनके द्वारा साइन किया गया है। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस साल सलमान की राधे रिलीज हुई, जिसके खराब प्रदर्शन से सलमान के फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अब ये टाइगर 3 होगी या दबंग 4 या एक नई एक्शन फिल्म, इसी वजह से तो फैंस का जिया बेकरार है। वही खबर है कि यशराज फिल्म्स ने सलमान खान को धूम 4 ऑफर की। जी हाँ दोस्तों, सलमान ये फिल्म करना भी चाहते थे लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने मेकर्स के सामने कुछ शर्तें रख दी। इसमें एक थी कि वो स्टार कास्ट में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन यशराज बैनर फिल्म की कास्ट को बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। इसके चलते इतने बड़े बजट की फिल्म सलमान खान के हाथों से निकल गई। अब प्रोडक्शन हाउस कास्ट को फाइनल करने के बाद जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी। वहीं जहां यशराज का नाम हो और शाहरुख खान की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यशराज जल्द ही शाहरुख खान के साथ ही पठान और सैल्यूट नाम की दो फिल्म बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सैल्यूट को कास्ट भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है। यशराज बैनर के साथ काम किए शाहरुख को 2 साल हो गए हैं। फिल्म फैन में शाहरुख खान एक्शन नहीं कर पाए थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो धूम 4 में शाहरुख की इच्छा पूरी हो जाएगी। सेल्फ इंटरव्यू जैसा कुछ भी नहीं है और 14 साल और लगभग एक दर्जन फिल्मों के बाद आदित्य चोपड़ा ने महसूस किया है कि अभिनय उनकी कप ऑफ टी नहीं है। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया है। क्या ये धूम 4 से उनके बाहर निकलने की ओर इशारा है? लेकिन क्या अली के बिना धूम 4 में मजा आ पाएगा? क्या आप तैयार हैं आने वाले इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज की अगली इंस्टॉलमेंट में नए चेहरे देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। में विलेन की भूमिका निभाएंगी दीपिका पादुकोण? क्या प्रभास के साथ धूम 4 बनाने का प्लान हो गया है ड्रॉप? क्या 83 में कपिल देव की भूमिका निभाने से लेकर धूम 4 में खलनायक तक फुल पैक्ड है रणवीर सिंह की डायरी? लोकप्रिय धूम फ्रेंचाइजी के निर्माता इसकी अगली इंस्टॉलमेंट का प्लान बना रहे हैं और एक फीमेल खलनायक को पेश करके इसे एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। सभी की निगाहें इस फ्रेंचाइजी की फोर्थ इंस्टॉलमेंट को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए दीपिका पादुकोण पर है। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार धूम 4 के निर्माताओं ने इस भूमिका के लिए दीपिका से कॉन्टैक्ट किया है। हालांकि एक्ट्रेस ये चैलेंज लेने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन डॉटेड लाइन और सिग्नेचर करने से पहले उन्हें अपनी फिल्मों की डेट्स को देखना होगा। वहीं आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2003 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म धूम की थर्ड इंस्टॉलमेंट धूम 3 के बाद की आने वाली धूम 4 के बारे में। बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। धूम सीरीज अपनी स्टाइलिश चेंज सीक्वेंस और आकर्षक लोकेशंस के लिए जानी जाती है। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के फिक्स्ड कैरेक्टर के अलावा पहली इंस्टॉलमेंट में जॉन अब्राहम, दूसरी में ऋतिक रोशन और तीसरी में आमिर खान के साथ इसकी शुरुआत हुई। फ्रेंचाइजी में फीमेल एंटागोनिस्ट होना वाकई दिलचस्प होगा। इस बीच वर्क फ्रंट लाइन पर दीपिका नेक्स्ट सिद्धार्थ आनंद में की पठान में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के साथ मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगी। इसके अलावा शकुन बात्रा की अगली फिल्म में उनके को एक्टर्स अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी हैं।
दीपिका कबीर खान की 83 का भी हिस्सा है, जहां वे अपने पति रणवीर सिंह के साथ पर्दे पर फिर से दिखाई देंगी। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ नाग अश्विन की अगली फिल्म के लिए दीपिका को भी चुना गया है और वो सिद्धार्थ आनंद की फाइटर में पहली बार ऋतिक रोशन के साथ भी काम करेंगी। दीपिका आने वाले फिल्म महाभारत में द्रौपदी की भूमिका भी निभाएंगी। वहीं बॉलीवुड में प्रीमियर प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स धूम फ्रेंचाइजी की 14 इंस्टॉलमेंट के लिए प्रभास को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोर्स बताए हैं कि निर्माता आदित्य चोपड़ा ने अब इस कोशिश को छोड़ दिया है। प्रभास कई पैन इंडिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो ओम राउत के निर्देशन में एक एपिक हिंदी फिल्म आदि पुरुष से भी डेब्यू कर रहे हैं। आदित्य चोपड़ा को लगता है कि प्रभास का अब चार्म चला गया है, इसलिए उन्होंने उनके धूम 4 में शामिल होने पर रोक लगा दी है। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान ने अब तक धूम फ्रेंचाइजी में विलन की भूमिकाएं निभाई हैं। नॉर्थ इंडियन मार्केट में स्टार के लिए दीवानगी को देखते हुए आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि प्रभास धूम 4 में वही भूमिका निभाए। प्रभास ने इसके बजाय अन्य प्रोजेक्ट्स को चुना। प्रभास फिलहाल राधे श्याम, सलार और आदि पुरुष में अभिनय कर रहे हैं। वो अगले साल नाग अश्विन के निर्देशन में एक साइंस फिक्शन थ्रिलर भी शुरू करेंगे। इन चारों फिल्मों को हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। आगे आपको बताते चले कि रणवीर सिंह ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में एक डिकेड पूरा किया है। अपनी कड़ी मेहनत और बैक टू बैक हिट्स के साथ इस मुकाम पर पहुंचने वाले अभिनेता कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ फिल्म बिजनेस में तूफान लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रणवीर सिंह के पास कबीर खान की 83 रिलीज के लिए पेंडिंग है, क्योंकि निर्माताओं महामारी की स्थिति को खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद ही इसकी थिएट्रिकल रिलीज होगी। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी में भी उनका एक छोटा सा शेड्यूल था, जहां वे एक स्पेशल अपीयरेंस में फेमस पुलिस वाले सिम्बा के रूप में लौटते हैं। इस बीच उन्होंने रोहित शेट्टी की अगले फिल्म सर्कस पर काम शुरू कर दिया है, जहां उन्होंने पहली बार डबल रोल निभाया है। और सोर्सेज के अनुसार फिल्म 60 के दशक में सेट है और शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। सर्कस में वरुण शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े भी है। उन्होंने मुंबई में इस पर काम शुरू कर दिया है और जल्द यूटी गोवा शेड्यूल करेंगे और अगले साल की शुरुआत में फिल्म को पूरा करेंगे। उनके पास गली बॉय की सह कलाकार आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की अगली फिल्म है। फिल्म एक पीरियड ड्रामा और इसकी शूटिंग अगले साल जल्द ही शुरू होगी। वो एक गैंगस्टर ड्रामा के लिए तीसरी बार दिल धड़कने दो और गली बॉय के बाद जोया अख्तर के साथ टीम बनाने की प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा वो अली अब्बास जफर के मिस्टर इंडिया वर्जन के लिए अनिल कपूर के स्थान पर भी कदम रखेंगे, जहां वो इनविजिबल मैन और सुपर हीरो की भूमिका निभाएंगे। और अगर रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए तो उनके पास YRF की मच अवेटेड फ्रेंचाइजी धूम 4 भी है, जहां वो विलन की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले इस प्रोजेक्ट में क्या वाइफ हस्बैंड की जोड़ी बनेगी फिल्म की विलन की जोड़ी। क्या वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो फिल्म में एक और एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी? क्या अभिषेक बच्चन के साथ इस फिल्म में एक और पुलिस का किरदार होने वाला है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। धूम 4 यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली एक बहुत ही बड़ी और पॉपुलर फिल्म सीरीज है। इसकी आने वाली इंस्टॉलमेंट को लेकर सभी काफी एक्साइटेड हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में धूम 4 काफी वक्त से चर्चे में है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन को कास्ट किया जाने वाला है और अभिषेक बच्चन हर बार की तरह पुलिस का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अभिषेक बच्चन के साथ उदय चोपड़ा जो कि अली का किरदार निभाते हुए धूम 4 में देखने को मिलेंगे। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के पुलिस वाली जोड़ी किस तरह ऋतिक रोशन जैसे चोर के पीछे भागती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और दोबारा हमें धूम 2 के बारे में याद दिलाएगी। इस फिल्म में लीड एक्टर भले ही फाइनल कर लिए गए हों, लेकिन दोस्तों धूम 4 की लीड एक्ट्रेस को लेकर अभी भी काफी कंफ्यूजन है। जानवी कपूर और कियारा आडवाणी में अभी भी धूम 4 की लीड एक्ट्रेस की जगह को पाने की जंग चल रही है। अब दोस्तों, इन दोनों में जिसे भी धूम 4 के लिए फाइनल किया जाएगा, हमें ऋतिक रोशन के साथ उनकी हीरोइन के रूप में नजर आएंगी। लेकिन ये खबर आ रही है कि धूम 4 में एक और लीड एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। अब ये एक्ट्रेस हमें किस रूप में नजर आएंगी, इसका जवाब भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि धूम 4 में एक एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा जो कि पुलिस का किरदार निभाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ एक और हीरोइन दिखेगी जो कि पुलिस के रूप में नजर आने वाली है।
अब दोस्तों धूम टू में अभी भी देखने को मिला था कि जहां अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ बिपाशा बासु ने पुलिस का किरदार निभाया था, कहीं ना कहीं इस किरदार को धूम थ्री में लोगों ने मिस किया और यही वजह है कि धूम फोर में भी फिल्म के मेकर्स ने एक फीमेल पुलिस रखने का फैसला किया है। दोस्तों चोर पुलिस की जोड़ी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये देखने। मेन विलन हो गया है फाइनल। फिल्ममेकर्स एसआरके को बनाना चाहते हैं धूम का खलनायक। क्या कॉप के अवतार में नजर आएंगे बिट्टू सिंह? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो आइए आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब को जान लेते हैं। ये अनडाउटेडली सीजन की सबसे बड़ी खबरों में से एक हो सकती है। अब तक की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज में से एक धूम फिर से चर्चा में है और दोस्तों सभी सही कारणों से। रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान को धूम 4 में विलन की भूमिका निभाने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था, जिसे इवेंचुअली अभिनेता ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उन्हें स्क्रीन पर विलन की भूमिका निभाना पसंद नहीं है। वहीं दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि शाहरुख खान फ्रेंचाइज की चौथी इंस्टॉलमेंट में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए ऑन बोर्ड आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं साल 2003 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म धूम की थर्ड इंस्टॉलमेंट धूम 3 के बारे में। दोस्तों बता दूं कि फिल्म धूम 4 के लिए आखिरकार विलन की खोज पूरी हो गई है। सलमान खान के फिल्म से बाहर होने के बाद प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने बड़ा स्टार कास्ट ढूंढ लिया है। शाहरुख खान को सुपरस्टार का दर्जा दिलाने में उनके शुरुआती करियर की दो फिल्में डर और बाजीगर का सबसे बड़ा रोल रहा है। दोनों फिल्मों में शाहरुख खान विलन के रोल में थे और दोस्तों अब जबकि शाहरुख अपने करियर के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं तो उन्होंने फिर से बड़े पर्दे पर विलन बनने का फैसला किया है। शाहरुख खान को कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए 5 साल हो चुके हैं और रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद से शाहरुख की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका नहीं मचा पाई है। इस बीच दोस्तों ना सिर्फ सलमान खान और आमिर खान की फिल्में खूब चली बल्कि इन दोनों ने ब्रांडिंग के हिसाब से भी शाहरुख खान के मुकाबले कई ज्यादा बढ़त हासिल कर ली है। हैप्पी न्यू ईयर में फरहान खान के साथ दिलवाले में रोहित शेट्टी, फैन में मनीष शर्मा, डियर जिंदगी में गौरी शिंदे, जीरो में आनंद एलराय और रईस में राहुल जैसे निर्देशकों पर दाव लगाकर पछता रहे शाहरुख इस बीच अपने दो पुराने साथियों से लगातार मिलते रहे हैं। यह है प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा और बिग बजट फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली। भंसाली ने भले ही अभी शाहरुख को लेकर किसी फिल्म की प्लानिंग शुरू ना की हो लेकिन दोस्तों आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान को धूम 4 दे दी है। धूम 4 में पहले विलन का रोल सलमान खान करने वाले थे लेकिन रेस 3 को लेकर मचे बवाल के बाद आदित्य चोपड़ा ने सलमान से दूर ही रहने का फैसला किया है। दोस्तों सलमान धूम 4 के मुनाफे में हिस्सेदारी चाहते हैं और दोस्तों आदित्य ने शाहरुख को इसके बिना ही इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार कर लिया है। शाहरुख ने धूम 4 के शूट के लिए अपनी डायरी में तारीखें भी तय कर ली हैं। फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े सोर्स के मुताबिक धूम 4 की शूटिंग शाहरुख की अगली फिल्म पठान का खात्म कर सकती है। और दोस्तों बता दें कि अगर आपके लिए तही खाफी नहीं है तो चलिए आपको आगे बता देते हैं कि करंट हॉट पर्सनालिटी यानी कि रणवीर सिंह भी इस इंस्टॉलमेंट में जय दीक्षित के पुलिस वाले किरदार में नजर आ सकते हैं, जो किरदार पहले अभिषेक बच्चन ने 3 फिल्मों में निभाया था। हालांकि दोस्तों अली के किरदार के लिए कास्टिंग जो पहले उदय चोपड़ा द्वारा निभाई गई थी अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि खलनायक का किरदार एक अंडरवर्ल्ड डॉन की तर्ज पर होगा और दोस्तों शाहरुख ने डॉन और डॉन 2 में एक जैसे किरदार निभाए हैं, इसलिए इस बार किरदार को निभाना किंग खान के लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होने वाला। जबकि पैसों के मामले, तारीखों और अदर लॉजिस्टिक पर काम किया जा रहा है और चांसेस हैं कि शाहरुख और रणवीर जल्द डॉटेड लाइन पर साइन कर देंगे। तो क्या आप तैयार हैं आने वाली ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज की अगले इंस्टॉलमेंट में दमदार विलन को देखने? तुमसे मिलके बहुत मजा आएगा मिस्टर ए। आई थिंक वी हैव बंदे हैं हम उसके। धूम सीरीज के परमानेंट स्टार अभिषेक बच्चन कौन से चेंजेस करना चाहते हैं आने वाले इंस्टॉलमेंट में? क्या धूम 4 में आमिर खान करने वाले हैं अच्छे इंसान का रोल? कैसे अपने काम को रिव्यू करते हैं जूनियर बच्चन? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो फिल्मों के सीक्वल अक्सर बनते रहे हैं मगर ये सीक्वल सीरीज में तब्दील नहीं हो पाते। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2003 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म धूम की थर्ड इंस्टॉलमेंट धूम 3 के बाद उसकी आने वाली फिल्म फोर्थ इंस्टॉलमेंट धूम 4 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट पंकुरी और आज जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य। धूम 3 के लिए आमिर खान के साथ काम कर चुके अभिनेता अभिषेक बच्चन का कहना है कि वो चाहते हैं कि इस एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइजी की अगली इंस्टॉलमेंट में आमिर खान एक अच्छे व्यक्ति का रोल निभाए। धूम के तीनों सीरीज की सफलता के बाद आने वाले साल में इस सीरीज की अगली इंस्टॉलमेंट भी जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी।
एक इंटरव्यू में जब अभिषेक से फिल्म के बारे में कुछ सवाल किए गए तो एक्टर ने कहा, ये चौथी बार फिर से होने वाला है और हम फिल्म के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। जय और अली फिर से वापस आएंगे और इस बार हमारे साथ आमिर हैं और किसी भी अभिनेता के लिए उनके साथ काम करने का मौका मिलना सम्मान की बात है। आपको सिर्फ उन्हें देख कर ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको बता दें कि जय यानी कि अभिषेक बच्चन और अली यानी कि उदय चोपड़ा धूम फ्रेंचाइजी के रेगुलर कैरेक्टर हैं। एक्टर ने इंटरव्यू में ये तो क्लियर कर दिया कि जय और अली वापस आएंगे, पर ये नहीं बता पाए कि इस रोल में वापस आएंगे या नहीं। ये बात क्लियर होने के लिए फिलहाल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहीं 37 वर्षीय एक्टर ने आमिर खान के बारे में बात करते हुए कहा, वो एक अभिनेता के रूप में बहुत ही हेल्पफुल हैं और केयरिंग करने वाले इंसान हैं। उनके साथ काम करना एक शानदार एक्सपीरियंस है। हम उन्हें धूम 4 के लिए एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वापसी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रोल उनकी रियल पर्सनालिटी पर काफी सूट करेगा। अभिषेक ने एक्शन फ्रेंचाइजी में तीसरी बार ACP जय दीक्षित के रूप में अपनी भूमिका दोहराई थी, जबकि आमिर जो पहली बार धूम सीरीज के थर्ड इंस्टॉलमेंट में दिखाई दिए थे, विक्टर आचार्य द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म में मेन एंटागोनिस्ट की भूमिका में थे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी की निर्माता कंपनी क्यों रहती है चर्चा में? कौन हर बार ले जाता है ऑडियंस का अटेंशन? क्या होने वाला है इस इंस्टॉलमेंट में जॉन अब्राहम का स्पेशल अपीयरेंस? धूम 3 साल 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन और को राइटिंग विजय कृष्णा आचार्य ने किया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा इसे लिखा गया और प्रोड्यूस भी किया गया। इस फिल्म में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ लीड रोल्स में थे। इसे धूम फ्रेंचाइजी की तीसरी और लास्ट इंस्टॉलमेंट कहा गया था और धूम 2004 और धूम 2 2006 की अगली सीक्वल थी। हालांकि अब मेकर्स लास्ट इंस्टॉलमेंट बना लेने के बावजूद इसका अगला इंस्टॉलमेंट यानी कि धूम 4 के लिए तैयार है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2003 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म धूम की आने वाली फोर्थ इंस्टॉलमेंट धूम 4 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आज हम बात करेंगे इसी फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। फिल्म निर्माता कंपनी यशराज फिल्म्स इन दिनों हर रोज किसी न किसी बात को लेकर खबरों में बनी रहती है। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान शुरू हो चुकी है। अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ और हाल ही में मशहूर फ्रेंचाइजी धूम को लेकर एक साथ तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। यशराज फिल्म्स ने इस बात की क्लैरिटी तो दी है कि इस फिल्म पर काम चल रहा है, लेकिन धूम 4 की कहानी किस स्क्रिप्ट पे जाकर फाइनल होगी, ये सारा खेल तो फाइनल अनाउंसमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता और जो लोग कह रहे हैं वो सब अनुमान ही है। आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्म धूम 4 को लेकर अरसे से एक्साइटेड हैं। फिल्म में उनके भाई उदय चोपड़ा भी अभिषेक बच्चन के साथ दिखते हैं, लेकिन फिल्म की चर्चा हर बार इसके विलन को लेकर ही होती है। पहली धूम में जॉन अब्राहम को एक पहाड़ की चोटी से कूदते दिखाया गया था। अब चर्चा है कि धूम 4 में जॉन एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं। वो इन दिनों यशराज फिल्म्स की शाहरुख खान के साथ बन रही फिल्म पठान की तैयारी में बिजी हैं। फिल्म में एक झलक ऋतिक रोशन की भी देखने को मिल सकती है। ऋतिक ने यशराज फिल्म्स की धूम 2 में एंट्री ली थी, जिसमें वो ऐश्वर्या राय के साथ नजर आए थे। इस बार कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या की जगह अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लेने वाली हैं। वहीं धूम 3 में आमिर खान विलन बने थे। बताते चले, इस बारे में प्रियंका चोपड़ा से भी बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन ये बातचीत कोई सिरे तक पहुंची नहीं। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही समय पहले यशराज फिल्म्स के फाउंडर यश चोपड़ा के जन्मदिन पर यशराज फिल्म्स ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने के साथ का जश्न मनाया। इसकी शुरुआत कंपनी का नया लोगो जारी करने से हुआ। तब से अब तक जश्न का कोई दूसरा पहलू अभी तक सामने नहीं आया है। ऑडियंस उम्मीद कर रही है कि हो सकता है अब आने वाले दिनों में धूम की फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अनाउंसमेंट के साथ दूसरा जश्न मनाया जाए।
वैसे कंपनी ने अपने साल 2021 में आने वाले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तो अनाउंस कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में वो ही फिल्में शामिल हैं जो या तो बन चुकी हैं या फिर पहले से जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। साल 2022 में जिन फिल्मों की शूटिंग होने वाली है उन फिल्मों की लिस्ट यशराज फिल्म्स ने अभी तक अनाउंस नहीं की। बाजार हो गया है गरम। क्या इस इंस्टॉलमेंट में आने वाले हैं अक्षय कुमार नजर और क्या इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी में होने वाली है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बॉलीवुड डेब्यू। धूम इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइजी है। ये फ्रेंचाइजी फिल्म में एसीपी अजय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन के सहायक पुलिस ऑफिसर और उनके असिस्टेंट अली अकबर फतेह खान यानी उदय चोपड़ा के इर्द गिर्द घूमती है जो प्रोफेशनल चोरों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी है। इस फिल्म की लास्ट इंस्टॉलमेंट आए काफी साल हो चुके हैं तो ऐसे में ऑडियंस से ज्यादा इंतजार नहीं हो पा रहा है। इसके फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट धूम 4 की चर्चाएं बॉलीवुड के बाजार को एक गर्म होती जा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2003 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म धूम 4 फ्रेंचाइजी की आने वाली धूम 4 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। बाइक रेसिंग, स्टंट्स, एक्शन और बड़ी चोरियां, इस कॉम्बिनेशन को सुन बच्चा बच्चा बता देगा कि हम फिल्म धूम की बात कर रहे हैं। लोगों को दीवाना बना देने वाली इस फ्रेंचाइजी की तीन पार्ट के बाद अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट की गॉसिप तेज हो गई है। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान के बाद धूम फ्रेंचाइजी से अक्षय कुमार के जुड़ने की खबरें इन दिनों मीडिया में चल रही है। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि अक्षय ने इस फिल्म को साइन नहीं किया है और ऐसी चर्चाएं अफवाह से अधिक कुछ भी नहीं है। पिछले साल अक्टूबर महीने में भी ऐसी चर्चा तेज हो गई थी कि धूम 4 को अक्षय के साथ मिलने जा रहा है, लेकिन यशराज बैनर ने सीधे तौर पर इसे इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई है। धूम यशराज फिल्म्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट फ्रेंचाइजी है, इसलिए अभी कोई जल्दीबाजी नहीं कर सकते। वैसे अक्षय कुमार अक्सर अपनी हर फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में दमदार रोल में जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हर शॉट, हर टेक और हर उस फिल्म में अपना 1000% देते हैं जिसका वो हिस्सा है। अक्षय को हर ओर से मल्टी टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उनकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी इंडस्ट्री ने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट एक्टर में से एक बनाया है और ये लक्ष्मी बॉम्ब और एयरलिफ्ट जैसे फिल्मों में उनकी भूमिकाओं से साबित हो जाता है। अक्षय के लिए ये दो पूरी तरह से अलग कहानी और दो पूरी तरह से अलग भूमिकाएं थी, फिर भी ऑडियंस ने दोनों को खूब पसंद किया था। सिनेमाघरों के बंद होने से उन्हें ओटी प्लेटफॉर्म के जरिए सफलता मिलने से नहीं रोक जा सका। इसी बीच अफवाहों चारों ओर से चल रही थी कि अक्षय को धूम इंस्टॉलमेंट के पार्ट 4 में एक भूमिका के लिए ऑफर दिया गया है। वैसे अगर ये रूमर सच होता तो धूम टीम के लिए ये एक एक्साइटेड प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि अक्षय अपने एक्शन और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और वो एक फिल्म में दोनों तरह के रोल कर सकते हैं। धूम फ्रेंचाइजी में भी एक ऐसी ही भूमिका बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है, लेकिन सैडली अक्षय इस प्रोजेक्ट से काफी दूर है और सीधे सीधे इन व्यूमर्स को सच होने का खुलासा किया। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में ये बात कही और जब पत्रकार ने उनसे उनके धूम 4 का हिस्सा होने की अफवाहों के बारे में पूछा तो उनके पास पत्रकार और फैंस के लिए केवल दो शब्द थे कि ये फेक न्यूज है। ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातें क्लियर करती है जो उन सभी र्यूमर्स पर लगाम लगाती है जो इंडस्ट्री में फैलाई जा रही है। अक्षय कभी भी किसी भी बात को नकारने से नहीं कतराते हैं, लगभग हर समय अपनी ऑडियंस को सच बताने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखने में दो कदम और आगे निकल गए। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा में अभिनेता अक्षय कुमार जैसे खिलाड़ी कम ही हुए हैं। अक्षय कुमार के धूम 4 में विलन बनने की खबर सामने आते ही न केवल अक्षय ने बल्कि यशराज फिल्म्स ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर अक्षय से जुड़ा इस खबर को पूरी तरीके से एंड किया और ये भी कहा कि ऐसी कोलैबोरेशन को लेकर यशराज फिल्म्स की कोई तैयारी नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि वो कौन सा न्यू फेस है जो अपनी काबिलियत से करने वाले हैं इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में शानदार एंट्री। वैसे तो बॉलीवुड में कई ऐसे फेमस स्टार किड्स हैं जिनसे फैंस पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस लिस्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी शामिल है।
हाल ही में मीडिया में आई ये खबर किंग खान के फैंस को खुश कर सकती है। खबरों की माने तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही धूम 4 से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर सकते हैं। धूम 4 की कास्टिंग की स्पेकुलेशन के बीच आर्यन खान का नाम इस फिल्म से हमेशा जोड़कर देखा जाता है। बता दें आर्यन सभी विदेश में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो फिल्म जगत में डेब्यू कर चुके हैं। दरअसल आर्यन एक शॉर्ट फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। इस फिल्म के व्यूज बढ़ाने के लिए आर्यन ने इस यूट्यूब पर लाइक करने की रिक्वेस्ट भी की थी। बता दें कि धूम की पिछली पार्ट धूम 3 साल 2013 में रिलीज हुई थी। शुरुआती दोनों फिल्मों की तरह ये फिल्म भी लोगों द्वारा खूब पसंद की गई थी। इस वजह से ही पिछले 7 सालों से फैंस अपनी पसंदीदा फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यशराज फिल्म्स कब अपनी अगली फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं और क्या इस नए चेहरे को इस ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिल पाएगा। क्या आप तैयार हैं आने